Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan and good morning Pakistan. कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। बात सारी ये है कि आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ। यस, ये है सभी किचन। और कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग किचन में जाके ऐसा क्या बनाए जो दिन हमारा बड़ा अच्छा हो जाए, टेस्टी हो जाए। कभी कभी कुछ यूनिक चीज बनाने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग किचन में जाना पड़ता है। जस्ट लाइक आपके घर में कोई पार्टी है या घर में कोई तकरीब है तो आपको ये करना पड़ता है। आज मैंने अपना मॉर्निंग शो अपने सेट से नहीं, बल्कि ये भी मेरा सेट है, मैं अपने किचन से आगाज कर रही हूं। और आगाज उस बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत अच्छी तरह जानता है। और मैं ये कहूंगी कि अल्लाह पाक जब भी हम अपने किचन में जाएं, छोटी सी एक दो टिप्स हैं, वो मैं ये कहूंगी कि बिस्मिल्लाह करके अपना किचन का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम हमेशा उसके नाम से बिस्मिल्लाह करें, कुछ चीज उठाएं तो बिस्मिल्लाह करें, आटा गूंदे तो बिस्मिल्लाह करें, तो अल्लाह पाक उसके जो दर्जात, उसके जो कहते हैं कि बरकत है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे वालदेन ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे मजहब ने सिखाया है, तो हम कुछ जो बेहतर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हम अपने किचन में आज क्या बन रहा है स्पेशल? यस, मेरे साथ बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद है और वो बहुत सारे काम भी करती है। वो एक मदर भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, तो ये सारे खूबसूरत रिश्तों को बाखूबी निभाते हुए वो यहां तक पहुंची। फिर उनका मेरे साथ इंट्रैक्शन हुआ, मुझे उनके खाने, उनका यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया मैं उनको इनवाइट करूं। तो यहाँ पर मौजूद है शेफ ज़री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? सारी हेल्दी डाइट आप ही खाती हो मुझे लग रहा है। जी जी। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन, आपको सेहत दे और मदर जैसी लगती है। अच्छा जी जी, थोड़ा होना चाहिए, अब क्यों सूखी सी बननी, पता चलो बहन कौन बेटी कौन है, थोड़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये बताएं आज मेरी प्यारी बहन यहाँ आना कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त है आपका शो, मुझे बहुत पसंद आया, बेइंतहा पसंद। और दिल किया वहाँ से यहाँ तक सफर तय कर लूँ, कि वहाँ से यहाँ तक सफर कर लूँ और कहीं और भी जाना पड़े तो वहाँ भी सफर कर लूँ। और है मेरा दिल की ख्वाहिश है कि आप यहाँ से और बहुत से, क्योंकि पाकिस्तान के सारे चैनल हमारे ही हैं और हम भी पाकिस्तानी, हमें चाहिए सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे चैनल्स में आप जाए, बहुत अच्छा लगेगा। आज ये मेरे गेस्ट है और डिश क्या बन रही है जरूरी ये बताए? आज डिश बना रही हूँ प्याजी चिकन कढ़ाई। कि प्याजी चिकन कढ़ाई तो मैंने बहुत तरह की खाई है, आप मुझे बताएं व्हाई, आप क्यों? आपने बादशाह अकबर बादशाह का नाम सुना है? हाय अल्लाह, बेताज बादशाह सुनेगी उनके वहाँ महफिल में जो दो प्याजे होते थे, मुल्ला दो प्याजा, उनके उससे रिलेटेड है चिकन प्याजी कढ़ाई। अच्छा, मुल्ला दो प्याजा मुझे कुछ मैंने स्टोरी ना, जो हंसाते थे बहुत ज्यादा, अच्छा करते थे, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये टेस्ट डिफरेंट है, बहुत टेस्ट डिफरेंट मिलेगा आपको। चले फिर बिस्मिल्लाह करें, इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते फिर हम डिश की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या डालेंगे? मैं चिकन है जी, ओके, हाँ चिकन है, दही है, ठीक है, और यहाँ ऑयल है, ओके, और प्याज है, ओके, हरा धनिया, हरी मिर्च है, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले साबुत, जीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च। अच्छा, सब वो जो किचन में मसाले मौजूद? जी जी, जी, जी। बिल्कुल इजी टू कुक है। अरे वाह, और देखते हैं सामान तो वही है, पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। सामान तो वही है जो हमारे किचन में होता है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। ये अब जरी के हाथों की बात, तो बिस्मिल्लाह करते पैन रखते और जी बर्तन हमने फ्लेम पे रख दिया है और अब देखते हैं कि सबसे पहले मेरी प्यारी बहन इसमें क्या ऐड कर रही हैं। ऑयल डालती, सबसे पहले ऑयल ये सारा डालेगा या कुछ थोड़ा कम? जी नहीं, मैं ज्यादा डालती हूँ, ठीक है, कढ़ाई है ना, मैं कम डाल देती हूँ, बाद में मुझे मुझे दे दीजिए, ओके। उसके बाद अच्छा ये जब होने दो, अच्छा एक बात बताओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, गर्म होने दो थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ कि जरी कितने टाइम से आप अपना, किस नाम से आप काम कर रहे हो किचन, मतलब जो चला रहे? किचन विद जरीन के नाम से मेरी यूट्यूब चैनल है, ओके, और मैं तकरीबन जो है 6 माह हो चुके हैं मुझे चलाते हुए और मेरे 421 सब्सक्राइबर है। माशाल्लाह, कितने साल हो गए स्टार्टअप? बहुत
अभी कम टाइम है लेकिन रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मुझे, व्यूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे। ओके अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी हम जब तक गर्म होते हैं। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुड मॉर्निंग सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और ये मॉर्निंग शो में आप देख रहे हैं सबीज किचन और मेरे साथ है शेफ जरी। वेलकम अगेन। कहाँ तक जो है ये अभी फ्राई कर रही चिकन, जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो बाकी चिकन नहीं, चिकन की डिश का नाम है चिकन प्याजी चिकन कढ़ाई, प्याजी चिकन प्याजा से रिलेटेड है ये। अगर बादशाह इसका ताल्लुक अकबर बादशाह के दस्तरखान से मुझे बता देती, मुझे पहन के आ जाती अनारकली ड्रेस पहन लेती शहजादा से ली। चलिए जी व्हाइट हो गई है, व्हाइट हो गई है जल्दी जल्दी मेरी जान जी व्हाइट हो गई है। अब दूसरा क्या करना है ताकि हम चाहे इसको क्लोज की तरफ लेके जाए जी, क्या डाले हाँ मैं समझना तो आप देखिएगा आपको पता आपने कहा रखी है ये अल्लाह जिंदगी करे आज काम करनी रखा हुआ, मेरी बहन नीचे झुक झुक के काम करेगी। बस अच्छा जी मेरी बहन ने अदरक कुछ कटोरी थी मेरी यहाँ आपको कुछ बर्तन इसी में आप ऐड कर दीजिएगा ले लेंगे। ओके जी डन हो गया जी आ जाए वाह ओके दैट्स गुड। बहुत ही मजेदार मेरी चिकन प्याजी चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है और क्विक सर्विस में करूंगी, बहुत जल्दी मैं बना लूंगी ये। इसे बोलते झटपट झटपट जैसे मैं नमक डालती हूँ। ओके सबसे पहले हमने नमक ऐसे डाल लो जैसे देसी तरीके से करो ना, कैसे करो देसी तरीके से नहीं करती हूँ मैं, सारी जो है मैं स्पेशल करती हूँ। मैंने कैसे ब्लू प्रिंट मिली आपने ऐसे डालनी है हर चीज है जो है ना। अच्छा डन हो गया ओके ओके। अच्छा सबसे पहले कोई तरीका होगा, इन्होंने सबसे पहले नमक को ऐड किया है जी। सबसे पहले जो है मैंने चिकन डाल दी, फिर अदरक अदरक लहसुन डाला है ताकि चिकन की स्मेल खत्म हो जाए और उसके बाद जो है मैंने बाकी जो है नमक डाल दिया है ताकि चिकन में टेस्ट आ जाए। मिक्स कर दूंगी साथ ही जो है मैं अब प्याज डाल दूंगी। अच्छा प्याज अब डलेगा, वाह सौते करना है इसके अंदर थोड़ा हल्का सा बस इसके अंदर ही जो है सौते हो जाए यार जबरदस्त जो है प्याज चिकन कढ़ाई प्याजी चिकन कढ़ाई तैयार अच्छा, है प्याजी है चिकन कढ़ाई प्रोसेस में दैट्स गुड यार यकीन करें मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये, बहुत यम्मी बनेगी। ओहो शेफ मुझे बताएं जरी मैम आप कब कितने टाइम से कितने साल से मकसद है कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं 16-17 साल की थी जब से मुझे शौक है कुकिंग का तो मैं उस वक्त से कर रही हूँ। ठीक है जरा सा हमको इतनी कर रही है रिलेटिव बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे मुझे सबसे आपकी प्रमोट करते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट डिश मेरी यही है। अच्छा इसीलिए उन्होंने गुड मॉर्निंग विद सभी में ये जो स्पेशल से मैंने बनाई ये बनाई लेकिन आपने मुझे एक और बात कही थी आप भूल गई। चलो पहले ऐड करें फिर मैं आपको याद कराऊंगी मेरी बहन ने मुझसे क्या बात की थी। हमारे यहाँ पर पूरे चैनल में मशहूर है मेरे जो है शामी कबाब बेइंतहा मशहूर जी। बस रमजान अच्छा शामी कबाब तो लाजमी खाते हैं मेरे घर जो भी हो गया। चले आगे जल्दी से कुटली मेरी जान फटाफट इसको ऐड करें मसाले डाल ठीक है सारे मसालेदार जो है वो डालने ओके okay, ये डल गए ऐड कर दिया हमने सारे जो स्पाइस थे और उसके अंदर हमने उन्होंने ऐड कर लिया। मैं इसको मिक्स okay. करूंगी थोड़े से ताकि मसाले इसमें जम हो जाए। ठीक है जी आज बयान प्याजी चिकन हांडी ओके okay. और शेफ जरी मेरे साथ है
माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर्स जितने भी आते हैं, इनके क्लाइंट बने हुए हैं बड़े जबरदस्त, जो इनसे खाना पकवाते हैं, मजा आता है उनको। और मेरी दुआ है कि ये इसी तरह माशाल्लाह अपना काम करती रहें और मजे मजे के खाने जो है हमें खिलाती रहें और लोगों को भी खिलाती रहें, अपने क्लाइंट्स को खिलाती। अच्छा जी, हम लोग नेक्स्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं फटाफट, तो इसको स्टीम पे रख देते हैं ताकि हम लोग फिर ब्रेक की जानिब चलते हैं। यस, ये टमाटर इन्होंने ऐड कर लिए। यस, अच्छा ये बड़ी जल्दी थी हर चीज, वो हमने मतलब साथ साथ लेके चल रहे हैं, बस ये झटपट तैयार होती है। अच्छा जरिए एक क्वेश्चन, आपने सबसे ज्यादा, आपको एक मोहब्बत वाला होता है ना कहीं रिश्ते होते हैं माँ बाप बहन, सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया, जिसका आपका दिल करता है? सबसे ज्यादा मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मैं विडो थी, जब मैं विडो हो गई तो मैं बिल्डर थी, मैं कंस्ट्रक्शन में थी, मैं बनाती थी, बेचती थी, उसके बाद फिर मैंने वो काम वाइंड अप कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है दौड़ भाग है और बच्चों को छोड़ना पड़ता है, सेहत थोड़ी सही। ये है मेरे लिए इंस्पिरेशन वुमन, और मैं चाहती हूँ ऐसी खवातीन आगे आए। तो मैंने कहा दूसरी तरफ मैं जो है करती हूँ, दूसरी तरफ मैंने कहा चिकन जो है मैं खाने अच्छे बनाती हूँ, मैंने कहा शौक शौक में मैंने ये। अच्छा, अब क्या रहेगा शौक शौक में, अब जल्दी से ऐड करें ताकि हम देख के जाते हैं। शौक में जो है दही दाल बड़ी इंटरेस्टिंग की तरह की, जिसमें से भी और कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ये वो बातें कही जाती हैं जो लोग हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा पहली बार मेरे साथ, जबकि ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आई है और मुझे बहुत इनके साथ अच्छा लगा है, बड़े मजे की चटपटी बातें करती है। सारे बच्चों का नाम ले फिर हम देख। अच्छा, इसको कितनी देर रखना पड़ेगा बताए, इसको स्टीम पे तकरीबन कम से कम जो है देखें 20 मिनट तक। तो जरा दिखाए नाजरीन, ये बन रही है चिकन, प्याजी चिकन हांडी कढ़ाई, कढ़ाई प्याजी चिकन कढ़ाई, शेफ जरीन ये बना रही है। और ये देखिए इसकी अभी स्ट्रक्चर जो टेक्सचर है वो इस तरह है, अब इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे, ठीक है? अगर मैं चले इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर अप करती हूँ, उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? जो है प्रेजेंट नहीं है वैसा, उसको भूलूंगी उसके बाद फिर बस मैं बाकी जो है गार्निश करूंगी। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट करूंगी। अच्छा ये बताएं जरीन, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत भी चाह रही हूँ, लेकिन ये हम प्रेजेंट आपके साथ ही करेंगे, डोंट यू वरी, आप मेरे साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो बच्चे हैं ना, मैं चाहती हूँ कि जाते हुए मैं तो खुदाफिस करूँ, आप जाते हुए उन सबके नाम ले लें, कौन कौन से आपके बच्चे उनका नाम ले। इंशा है मेरी BSMS किया हुआ है, शाजिब नईम है वो भी BS कर रहे हैं, इकरा यूनिवर्सिटी से दोनों, एक ने तो पढ़ लिया है बच्ची ने, और छोटी वाली मेरी फजाया डिग्री कॉलेज से जो है मैट्रिक किया है। ये बात है, देखिए मैं इनको इसलिए कह रही थी कि जिन बच्चों ने इनको इतना सपोर्ट किया है और वो बच्चे भी इतने कामयाब हैं, उसका रीजन ये कि ये सक्सेसफुल मदर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये है हेल्थ सेगमेंट, हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल मैं देख रही हूँ डे बाय डे जो शुगर पेशेंट हैं वो यंगेस्ट एज में भी लड़के लड़कियों को लग रही है, और उसके रीज़न जो हैं वो बहुत सारे हैं, यानी कि उसका लाइफ स्टाइल बड़ा काउंट करता है और उसके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब वो हमें शुगर हो रही होती है उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हैं, आपकी वीकनेस आपको डे बाय डे आपको श्रिंक कर देती है, आप बहुत सारी चीज़ों के खाने पीने के मोहताज हो जाते हैं, ये नहीं खाना वो, समझ में नहीं आती क्या किया जाए। यकीन करें अंदर से इंसान घुल रहा होता है, और कहीं उस वक्त कोई एक सूरज की छोटी सी रोशनी आपको मिल जाए, कोई ये कह दे कि मैं गारंटी से आपका शुगर का इलाज करता हूँ, तो समझ लें कि हमें एक लगता है कोई दिया जल गया है बहुत घुप अंधेरे में, और वो दिया कौन सा है, वो रोशनी कौन सी है। और मैं बड़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो तमाम जो है हेल्थ की सेटिस्फैक्शन और सर्टिफाइड
डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो वो कौन है ये हमारे साथ मौजूद हैं? हकीम साजिद इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी नाजरीन, जिस तरह हमारे साथ पिछली दफ़ा भी जो मौजूद था वो शुगर का ही था और वो पूरा नहीं हुआ था, और इसके ऊपर तक अगर बात करें सभी तो मेरा ख्याल 10-15 प्रोग्राम भी करें तो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। तो शुगर के मुतल्लिक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह किडनी के मुतल्लिक भी मिल चुका है, और एक बात तो ये कि जैसे आपने अभी कहा, मेरे पास अक्सर, बल्कि मेरे पास कल भी ऐसे पेशेंट थे जिनकी उम्र 16-17 साल, 18 साल और 19 साल के अंदर वो शुगर के अंदर मुब्तला हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को बीमारी से बचाए रखे, और वो बीमारियां जो इस उम्र में लग जाएं, जो जाके कहीं सोचा जाता है कि बुढ़ापे में लगेंगी, जबकि शुगर की इकसाम के अंदर मेलाइटिस शुगर के अंदर सभी दो, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 की शुगर होती है। टाइप 1 की शुगर के अंदर तो ये होता है कि लबलबा काम ही नहीं कर रहा होता, इंसुलिन जिस्म के अंदर बन ही नहीं रही होती, उसकी बिना के ऊपर किसी भी एज के अंदर मजबूरी होती है इंसुलिन लगाना। और टाइप 2 की जो शुगर होती है, टाइप 2 की शुगर के अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है हमारी, लेकिन वो इंसुलिन इस काबिल नहीं होती कि वो हमारी जो है वो ग्लूकोज को बीटा सेल के अंदर हमारी तवानाइयों के अंदर चेंज कर सके। एक तो शुगर हमारे जिस्म के अंदर, एक तो पूरी बॉडी हमारी अगर देखा जाए तो समझे कि शुगर मांगती है, हमारे हर एक जिस्म के हिस्से को मीठा चाहिए होता है, हमारी हर बॉडी की हर जिस्म को जो है मीठे की ज़रूरत होती है। अभी शुगर जो मर्ज है ये एक, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जिस्म से शुगर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं, हम खाने पीने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो चीज़ तैयार हो के आता है, कैलूस और कैमूस के नाम का एक जूस होता है जो जिगर से हम बन के आके हमारे खून के अंदर शामिल होता है, और हमारे लबलबे का काम ये होता है कि उसमें बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टाइड हैं, वो इन ग्लूकोज को जो है तवानाइयों में चेंज कर सकें, बीटा सेल में चेंज कर सकें। अभी जिस वक्त हमारा लबलबा काम नहीं कर रहा होता और ये जो जूस ग्लूकोज की शक्ल में बनके हमारे खून में शामिल हुआ होता है और इंसुलिन ने इसको तवानाइयों में चेंज करना होता है, तो जब वो तवानाइयों में चेंज नहीं हो रहा होता तो हम दिन ब दिन कमजोर हो रहे होते हैं, दिन ब दिन हम कमजोर हो रहे होते हैं। क्यों? हमारे जिस्म का असल जो पावर हमें मिलती है वो तो इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करता है। यानी कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये मिसालें दे चुका हूँ कि लबलबे की हमारे जिस्म में जो हैसियत है वो ये है कि जैसे एक आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई कार है, गाड़ी है, उसके अंदर पेट्रोल भी मौजूद है, हर चीज मौजूद होती है, लेकिन अगर उसका जो प्लग है अगर उसके अंदर करंट नहीं बने तो वो आगे नहीं चलेगा, बेशक उसके अंदर पूरी टंकी भरी हुई है, इंजन भी ठीक है, कचरा आ जाए, मिसिंग हो, उसकी क्वाइल सही काम नहीं कर रही हो, सेम लबलबे का भी हमारे जिस्म के अंदर यही काम है कि अगर उसके अंदर करंट बनना है किस्म का तो हमारी गाड़ी ने आगे चलना है। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ा इसके होने की जो वजूहात देखी जा रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मैं बहुत ज्यादा इस शरह को देखते हुए जा रहा हूँ, हेल्दी फूड नहीं है। हेल्दी फूड से मुराद कि अगर एक पंजाब के लोग हैं या कराची के हमारे लोग हैं, इनको आदत पड़ी हुई कि इन्होंने सुबह उठना है और चाय का कप पीना है, ऊपर से कोई स्लैश वगैरह लेना है और अपने काम के ऊपर चले जाना है, यानी कि एक रूटीन बना लिया है हमने। अभी पंजाब के लोग हैं, एक मिसाल है, उन्होंने एक ही अगर चीज खानी है कि चने ही खाए जा रहे हैं, डेली चने ही खाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे ये है कि बिरयानी, बस डेली आपने बिरयानी खानी है और कुछ नहीं खाना है, कि सुबह भी बिरयानी, शाम भी बिरयानी, रूटीन बना ली हमने अपनी, और बर्गर खाने वाले बर्गर ही खा रहे हैं और बर्गर से अपना पेट भर रहे हैं। इसकी वजूहात ये हैं। देखें, अल्लाह तबारक तआला ने इतनी बेशुमार चीजें पैदा की हैं, और अल्लाह कहने का मकसद है कि खाई जाए लेकिन कभी कभी चेंज उसको किक करके आप चेंज करें। मैं उसकी तरफ सभी अभी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने जितने भी मौसम की सब्जियां पैदा की हैं, मौसम के फल पैदा किए हैं, वो आपने जरूर खाने हैं,
आप ठीक है एक हद तक उसको खाएं, लेकिन उसको एक अपनी जिंदगी की रूटीन नहीं बनाएं। अभी सारी जिंदगी आप बिरयानी खा के भी जिंदा नहीं रह सकते, सारी जिंदगी आप चने खा के भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह तबरक तआला जो अल्लाह तआला कुरान पाक के अंदर भी है कि तुम अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, एक एक चीज का जिक्र आता है, कहीं सब्जियों का जिक्र आता है, कहीं सेब का जिक्र आता है, कहीं अनार का जिक्र आता है, कहीं अंगूर का जिक्र आता है। तो यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने जो जितनी भी चीजें हमारे लिए पैदा की हैं, ये हमारे लिए पैदा की हैं, ये औरों के लिए तो पैदा नहीं की हैं। हमने अपने मौसमी फलों और सब्जियों को नहीं छोड़ना, और ना ही आपने ये बोलना है कि हमें ये पसंद नहीं है इस मौसम, मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो जो है टिंडे पसंद नहीं है, मुझे बैंगन पसंद नहीं है, मैं तो लौकी नहीं खा सकता। आप ऐसे ले रहे हैं, देखिए ये सभी मेरे पास आने वाले, जब मैं कोई ऐसी बात कर रहा होता हूँ कि भाई आप इन चीजों को इस्तेमाल कर लो, तो आगे जो मुझे एक्सप्रेशन मिलते हैं फेस के, वो कुछ अजीब से मिलते हैं। तो मेरे मेरे भाई आप इसको देखें, गोश्त खाने वाले ऐसा करें कि सब्जियों के अंदर मिला लें, ठीक है, अपना फ्लेवर भी वो रखें। हम शलजम गोश्त का बोलते हैं, करेले गोश्त का बोलते हैं, पालक गोश्त का बोलते हैं, ठीक है, जितनी भी अल्लाह पाक ने चीजें बनाई हैं, दही भी आप लेंगे, चाय भी आप पियेंगे, बर्गर भी आप खाएंगे, इसके साथ साथ आप जौ का दलिया भी लेंगे, बाजरे की रोटी भी खाएंगे, ज्वार की रोटी भी खाएंगे। अभी हमने सारी जिंदगी गंदम की रोटी खानी है, हम थोड़ा अपना टेस्ट तो चेंज करें, हम चंद दिनों के लिए बाजरे की रोटी लें, चंद दिन के लिए ज्वार की रोटी लें, इसके साथ हम गंदम का दलिया बना लें। जौ का दलिया बेहतरीन है, और तलबीना के नाम से अल्लाह तबारक तआला के नबी सल्लम ने बहुत सी हदीस मरवी है कि पेटों को साफ कर देता है, गम को उतार देता है, यानी कि जिसके साथ पेट का मसला है वो जौ का दलिया खाए। अगर शुगर के मरीज जौ का दलिया खाना शुरू कर दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से, हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप शुगर के मरीज हो चुके हैं तो आप अपनी जिंदगी से जरा गंदम को निकाल के देखें, सिर्फ एक गंदम को निकाल दें, बाकी आप खाएं हर चीज। तीन चीजों का मैं हर प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ कि आप तीन चीजों को अवॉइड करके, बगैर मेडिसिन के, जो गोलियों के ऊपर लोग मौजूद है, अगर आप 4 से 5 दिन मेरी इस बात के ऊपर अमल करने के बाद फिर मेरे से बात करें, सारी चीजें खाएं, वो बड़ा गोश्त भी खाएं, ठीक है जी, छोटा गोश्त भी खाएं वो, इसके साथ साथ जो है वो अच्छी सब्जियां जो मौसम की आ रही हैं वो सारी खा लें, किसी से मना नहीं कर रहा, चने भी खाएं, चने की दाल, मसूर की दाल भी वो इस्तेमाल करें, और इसके साथ कीमा बड़े के गोश्त का बना के चटपटा वो भी इस्तेमाल करें, हम मना नहीं करते हैं, बड़ा ठीक है जी। एक बात, ये तो चलो डाइट की होगी, मैं चाहती हूँ कि आपके पास, हमारे पास जो टाइम है उसके मुताबिक हमारे नाज़रीन को सही अवेयरनेस मिले, और ये कि साजिद भाई जिस तरह बता रहे हैं कि ये तो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, अब बात ये है कि इसके साइड इफेक्ट शुगर के साइड इफेक्ट क्या क्या बीमारियां हो सकती शुगर है? हमारे जिस्म में जी, जब जिस वक्त हमें शुगर हो जाती है, हमारा जिस्म क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, कुव्वते मुदाफत कम हो जाती है, और सबसे बड़ी तोहफा तो हमें ये मिलता है कि हमारा जिस्म इस काबिल नहीं होता कि वो जो हमने सारे दिन के काम काज करने हम उसको कर सकें, पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां इससे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, नजर जो है मोतिया आने लगता है, किसी को सफेद मोतिया अक्सर आता है, काला मोतिया आ जाता है, और इसके साथ साथ ये होता है कि हमारा खाने पीने का निज़ाम ही बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मैदा हमारा मुकम्मल इसके अंदर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे इस शुगर के बीमारी के अंदर सबसे मेन वजह जो है, हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी का नाम शुगर बोलते हैं, मैदे की खराबी का नाम, आंतों की खराबी का नाम, यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने जो हमें अज़ाए रईसा दिए हैं, दिल दिमाग जिगर, इनके मातहत हमारे जितने भी जिस्म के बॉडी है, क्योंकि ये बादशाह हैं जिस्म के तीनों आइटम, दिल दिमाग और जिगर, ये किसी के अंडर नहीं होते हैं, इनके अंडर, इनके मातहत बहुत सी चीजें हैं, अल्लाह तबारक तआला ने दिल दिमाग और जिगर के अंदर अंदर पूरी बॉडी के अंदर तकसीम की है, कुछ चीजें दिल के अंदर हैं, कुछ दिमाग के अंदर हैं, कुछ जिगर के अंदर हैं, जब हमारा निजाम ही निजाम खराब हो जाएगा, इनमें से किसी तीनों में से एक में खराबी आके बाकी दो को डिस्टर्ब कर सकती है, तो लिहाजा मेन जो चीज हमारे शुगर से होती है, अक्सर लोगों हमारे पास आते हैं उनके पट्ठों में दर्द हो रहा होता है, ठीक है, उसके पाँव के अंदर जलन हो रही होती है, हाथ पाँव की उंगलियां जो है वो सुन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और शुगर के साथ बांझपन हो सकता है, ठीक है, शुगर के साथ आपको दिल का आर्जा हो सकता है, शुगर की वजह से आपके साथ हर वो बीमारी अटैच हो सकती है जितनी भी दुनिया के अंदर मौजूद आई है। आम बंदे की निस्बत शुगर के मरीज को हर बीमारी बहुत जल्दी से इसलिए घेर लेती है, उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम ही बहुत लो हो जाता है, कुव्वते मुदाफ़त कम होने की वजह से अपने जो मर्द हजरात हैं वो अपनी जिंदगी में डिस्टर्ब हो जाते हैं,
अपनी यानी के जो हकूक ज़ौजियत के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। औरतें जो हैं वो अपनी नस्वानियत के अंदर उनका जो है बिल्कुल इस तरफ से दिल हट जाता है, ठीक है। इसी तरह चोट भी लगना इसमें बड़ा काउंट करता है, शुगर में चोट लगना इतना काउंट करता है कि अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो उस जख्म का ठीक होना ही मुश्किल हो जाता है, हील होना मुश्किल हो जाता है। इतना मसला कि हमारे पास ज्यादातर जो मरीज जख्म के बिगड़े हुए आते हैं उनमें से 90% लोग सिर्फ जो है वो शुगर से मुबतला है, गैंग्रीन बन जाता है, वो हड्डी की तक चला जाता है, अज़ा को कटवाना पड़ सकता है। बहुत से मरीज हमारे पास ऐसे हैं जिनकी किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का पाँव कटा हुआ है। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं, हर एक बीमारी, जैसे मैं आपके प्रोग्राम के अंदर बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला के इस आयत के बाद ही हमने इतने बड़े दावे को कर दिया था, दावा तो अल्लाह की ज़ात पे ही फिट होता है, इंसान जो है बिल्कुल दावा नहीं कर सकता। अल्लाह की जात है जो चाहे करे, अल्लाह की जात है बरतर है सबके ऊपर। हमने इस आयत को मद्देनजर रखते हुए तो ये अल्फाज बोले थे कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज नहीं उतारा। हम शुगर का इलाज बिल्कुल सभी गारंटी के साथ करते हैं अल्लाह के हुक्म से। वो शुगर की जो मेलेटस के अंदर जो दो टाइप, टाइप वन और टाइप टू, और टाइप टू के नीचे आने वाली गेस्टेशनल है, इसके अंदर इंसिपाइडस है, सेंट्रल है, बहुत सी इकसाम है इसके अंदर भी, हम इन तमाम इकसाम का इलाज करते हैं। अगर हम टिबे जदीद की बात करें इसके अंदर तीन इकसाम हम अक्सर लेते हैं, हकीकी शुगर होती है, असाबी शुगर होती है, दिमाग से होती है वो शुगर। असल शुगर जो होती है वो हकीकी शुगर ही होती है, इसका मरकज, इसका महवर जो है वो हमारा दिमाग होता है। और एक कब्दी शुगर होती है, कब्द हम फारसी के अंदर जिगर को बोलते हैं, जिगर की खराबी की वजह से हो जाने वाली शुगर, ठीक है। इसके अंदर गुर्दों की सोजिश हो जाती है, गुर्दे सही तरह से वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी बिना के ऊपर हमें शुगर हो जाती है, हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, खून के गाढ़ा होने से हमारे जिस्म के अंदर शक्कर और चिकनाई कंट्रोल नहीं होती है। एक हमारी कब्दी शुगर होती है, कब्दी शुगर मेदी शुगर, कब्दी शुगर के बाद मेदी शुगर होती है, मेदी शुगर हमारी उजलाती शुगर होती है, उजलात से मुराद हमारे मसल्स हैं, दिल है हमारा, दिल दिमाग जिगर, इन तीनों के गिर्द ही हमारी शुगर का जो है डायग्राम जितना भी हमने फाइनल किया है वो इन तीनों के अलावा इसके बाहर नहीं है वो, सही, ठीक है। तो उजलाती शुगर के अंदर हमारा मैदा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हालांकि जितने भी हमारी शुगर की किस्म है इसके अंदर जितना भी हमारा निज़ाम है, इनज़ाम है, मेटाबॉलिज्म निज़ाम है, हमारी न्यूट्रिशन जितनी भी चल रही होती है इस मुतलक निज़ामी निज़ाम के मुतलक, इसी की खराबी का नाम ही शुगर है। तो शुगर का इलाज हम जो करते हैं अल्लाह के फलोक्रम से, इसमें मेन चीज ये मिलती है कि आपको अपनी सेहत वापस मिलती है। हमारे इस इलाज के साथ जो जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अक्सर पेशेंट की ये डिमांड होती है हमारे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक हमें अगर इससे शिफा देगा शुगर से तो हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं, हम इनका इलाज भी करवाएंगे। हम अपने हर उस मरीज को जो हमारे साथ अभी तक रबते में नहीं है या जिनसे अभी तक हमारा रबता नहीं हो सका, जो हमें कॉल कर भी रहे हैं और हम उनको जवाब नहीं दे सके, और इंशाल्लाह वक्त जैसे ही उनका टाइम आता है वक्त मुकर्रर के ऊपर हम इंशाल्लाह उनसे रबता करते हैं, क्योंकि हमारे पास से 5-5, 6-6, 7-7 दिन भी लग जाते हैं बंदे को हमसे बात करते हुए। हम इसके बावजूद भी उसको, मैंने खुद ही उनको जवाब देना, मैं किसी को भी अपना मोबाइल जो है ऐसे शख्स को नहीं देता जो जो दरगुजर कर दे। लिहाजा मैं हर अपने पेशेंट को, भले मैं लेट जवाब दूं, एक दफा उसके मिस कॉल मेरे नंबर के ऊपर आ गई, इंशाल्लाह मैं उसको वापस जरूर कॉल करता हूं, मेरा नंबर वो अपने मोबाइल में सेव करे और जब मेरी कॉल आए वो उसको मैं उसको टाइम दूंगा या उसका जो भी बीमारी होगी उसकी मैं तशखीस करूंगा। पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर हमारी मेडिसिन जाने की सहूलतें सभी मौजूद होती हैं। इस हमारे शुगर के कोर्स के साथ साथ जो दिल के आर्जे में मुबतला लोग हो जाते हैं, इसके साथ साथ बांझपन में चले जाते हैं, इसके साथ साथ उनको मेदे और जिस्म की बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, अपने दिन रात के वो काम नहीं कर सकते अपने, यानी कि अपनी ना नींद वो सही तरह से पूरी कर सकते हैं, यानी कि रात के टाइम के ऊपर उनको सोना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि शुगर की वजह से उनके पाँव में बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, कुंडलियों के अंदर दर्द हो रही है, पट्ठे खिंच रहे होते हैं और पट्ठे इस कदर जो है वो कमजोर हो जाते हैं कि रात के टाइम के ऊपर जब वो नींद के ऊपर अपने बिस्तर के ऊपर चले जाते हैं तो उनको दर्द की ये शिद्दत होती है, तो
हाँ बढ़ जाती है। हकीम साहब जैसा मेरे साथ ही है, जब ये अपनी सारी बातें आपको वो शुगर से होने वाली जो इंडिकेशन है कि भाई क्या क्या आपको पेन हो रहा है, तो आप उसकी लापरवाही ना करें कि अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम शुगर को फौरन कंट्रोल कर सकते हैं, और ना सिर्फ अगर वो हो भी जाए तो हम इसे मजीद ट्रीट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, या हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद खूबसूरत जबरदस्त होम रेमेडीज डॉक्टर साहब बताएंगे। और हकीम साजिद इस्लाम साहब को मैं दोबारा इसलिए ज्वाइन किया कि ये जब शुरू में मेरा मॉर्निंग शो आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये मेरे साथ 6-7 महीने रहे, फिर मेरी इबादत रमजान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बने, और अब मैंने इनको दोबारा इसलिए क्योंकि ये फिर अपने क्लिनिक को एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाने के इनका है सिनेरियो, तो ये बीच में इन्होंने गैप दिया, तो एक बार फिर मैंने इनको ज्वाइन किया है। इसका रीजन ये कि ये बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये कहते हैं मैं शुगर का गारंटी से इलाज करूंगा, तो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल में 90% जो पाकिस्तान और कराची से बिलोंग करते हुए मरीज हैं उनको तो शिफा हो ही जाएगी। तो लेट्स यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेउलादी, गंजपन, पिता पत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात, राबता कीजिए 03-11-92-999-76। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं, तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और बड़ा ही सीरियस हेल्थ टॉपिक है, वो है शुगर, जिससे आपको अल्लाह ना करे कहीं खून निकल जाए, जख्म हो जाए, उसको हील होने में, उसको दोबारा रिकवर होने में बहुत तकलीफ होती है। हड्डियां अंदर से जैसे कोई भुरभुरी हो रही है, ऐसी तकलीफ हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, जिस्म लागर हो रहा होता है, और जिस्म का कोई भी टॉप टू बॉटम कोई वीक हिस्सा होगा आपकी बॉडी में, जैसे आंखों का, दांतों का, कहीं पर, तो वो सबसे पहले हिट होगा कि अगर आपके दांत जैसे उसमें कोई मसूड़े सूज जाएंगे, कभी खून निकलने लग जाएगा, कभी आपकी एसिड चली जाएगी, कभी गले में दर्द होगा, तो ये कहीं ना कहीं वो हिट करेगा, या आपके किडनी खराब कर सकता है। तो ये शुगर की लापरवाही करना एक बहुत बड़ा नुकसान है, आपकी एज भी उसमें बड़ा काउंट करती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 40 साल के हैं या 25 साल के हैं, तो आप 40 साल के लगने लग जाएंगे। अब हकीम साजिद इस्लाम साहब कुछ होम रेमेडीज हैं जो रेगुलर इस्तेमाल करनी है वो बताएंगे। जी ओवर टू योर साहब। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि शुगर के मरीज जिस वक्त हमारा कोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो सभी ने बताया है कि एजेड लगने लगते हैं, हमारे इस कोर्स के इस्तेमाल करने से अल्लाह के हुक्म से ताकत इस कदर आ जाती है कि जो आपकी असल एज होती है आप उस एज से भी कम लगने लगते हैं। अभी शुगर के ऐसे मरीज जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको किस तरह का अपना डाइट प्लान रखना चाहिए, कौन सी चीजों से एहतियात करनी चाहिए, और किन चीजों को उनको अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लेके चलना चाहिए। शुगर का सबसे पहले मरीज जो है वो अपनी जिंदगी में एतदाल पैदा करे। एतदाल से मुराद कोई भी वो चीज खाएगा उसको ज्यादा नहीं खाना है अपनी जिंदगी के अंदर। एक वो हर चीज खाए, जितने भी मौसमी फल हैं उनको मुनासिब मकदार के अंदर खाए, खाने पीने का एतदाल रखे, 3 चीजों से, चावल से, चीनी से और रोटी से कम से कम इसको करके। ऐसे मरीज जो ज्यादा परेशानी में आ चुके हैं वो इसको बिल्कुल छोड़ दें। जैतून के 2 चम्मच रात सोते वक्त इस्तेमाल करें और सुबह उठते ही 2 चम्मच जैतून के इस्तेमाल करें। अपना खाना पीना जो है वो ज्यादातर मक्खन के अंदर बनाएं, भले वो दिल के आर्जे के अंदर भी मुब्तला हो चुके हैं। जरूरी चकनाइयां हमारे जिस्म के लिए जिंदगी की हैसियत रखती हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे जैतून के अंदर पाया जाता है, हमारे देसी घी के अंदर पाया जाता है, खालिस मक्खन के अंदर पाया जाता है। मक्खन खालिस होना चाहिए, दही से लेके खुद बनाएं,
आप खुद घर के अंदर दही जमाएं, उसमें से निकालें, दही की जो है मलाई मिल जाती है दुकानों के अंदर से, वहां से लेके करें। अपना खाना मक्खन के अंदर बनाएं, देसी घी के अंदर बनाएं या जैतून के तेल के अंदर बनाएं। अपने जिस्म के अंदर जो है आप डेली का 2 से 4 चम्मच तक जैतून के जरूर इंटर करें ताकि आपका जिस्म जो है वो तंदुरुस्त रहे। साजिद भाई ये क्लियर करने, ये जैतून का जो है ना ये एक्स्ट्रा वर्जन जो एक्स्ट्रा वर्जन खाने के लिए जो होता है जी, एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है ये आपको तसल्ली हो किसी अदर कंट्री के अंदर से आपके रिलेटिव आते हैं लेके आते हैं, बड़ा बेहतरीन होता है। इसके साथ साथ आप फ्रूट के अंदर मुनासिब मकदार लें, हर सब्जी के अंदर मुनासिब मकदार लें। जितने भी शुगर के मरीज हैं वो अपने जायकों को भूल के हर वो चीज का इस्तेमाल करें जो उनको मौसम के अंदर मिल रही है, हर उस चीज को खाएं पिएं जो उनको मौसम के अंदर मिल रही है, ठीक है। और इसके साथ एक कावे का जरूर इस्तेमाल करें, वो जिसके अंदर चंद कलवंजी के दाने। बहुत अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जिनको कोई होम रेमेडी ये बताता है कि वो मेथी दाना और कलवंजी को रोजाना बॉयल करके पिएं। इसका बहुत ज्यादा मिकदार में पीना आपके जिस्म के अंदर जो है फालतू चर्बी के साथ साथ आपके जिस्म को बहुत ज्यादा निढाल भी कर देता है। लिहाजा आप चंद दाने कलवंजी के और मेथी जो है 1 चम्मच रात को भुगो के रख दें, 15 से 20 से 25 दाने जो है आप कलवंजी के लें रात के टाइम के, उसके ऊपर भुगो के रखें। सुबह अगर चाहें तो बॉयल के इसको ले लें, बॉयल करके लें, या फिर इसको जो लोग ज्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं शुगर के अंदर फैट उनके ऊपर बढ़ रही है वो इसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, कावा बना के इस्तेमाल करें जिसको हम जुशांदा बोलते हैं, और खस्यांदा हम उसको बोलते हैं जो रात को आपको भुगो के रखें और सुबह आप इसको छान के पी लें। लिहाजा इसको बहुत मुतवातर लगातार इस्तेमाल नहीं करना, इसको चंद दिन इस्तेमाल करना है, चंद दिन आपने छोड़ देना है। बादाम पिस्ता और अखरोट का अब आप डेली 10 से 15 दाने जो है इन सब चीजों के मिक्स करके ले सकते हैं। इसके साथ आप गोश्त बड़े का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में कर सकते हैं, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाए का इस्तेमाल शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, अगर वो हड्डियों का वो नली जिसको हम बोलते हैं ऐसा गोश्त लें जिसके अंदर नली हो, गुदा हो जिसके अंदर, गुदा बहुत बेहतरीन होता है शुगर वाले मरीज के लिए। अगर पाँव के अंदर जिनको जलन हो रही है वो तली हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें, सब्जियों को इस्तेमाल में लेके आए, ठीक है। और अपने जिगर को गाजर का जैसे हलवा हम बनाते हैं बगैर मीठे के बनाए, गाजर का जूस इस्तेमाल करें। लिमिट के अंदर जो है आपने हर चीज लेनी है। अच्छा, कुछ लोग हैं ना हकीम साहब, आपने जैसे माशाल्लाह अभी जिक्र किया ब्रेक में भी, उस वो भी होम रेमेडी बता दें कि अक्सर लोग पनीर बूटी का भी पानी पीते हैं, तो इसका बताएं कि क्या वाकई शुगर के अंदर है कि नहीं? जी सभी शुगर के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुसफ्फी खून के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जैसे हम हकीकी शुगर के अंदर आते हैं उसके अंदर हम पनीर बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के अंदर उसके 5 से 7 दाने अगर भगो के रखें और सुबह हम खाएं हम मुसफ्फी खून के तौर पे इस्तेमाल होता है। साफ करने के लिए आम पर्सन भी पी सकते हैं, और अगर मट्टी की आपने जैसे कहा था मट्टी की कोली में होता है, रात में मट्टी के बर्तन में भगो के रखें और सुबह उसको पी लें। इसके साथ आपको और चीज मैं बताता चलूं, शुगर के मरीज अपने आप को चोट लगने से बचाएं, अपने दिमाग को थोड़ा सा हमेशा ध्यान से रखें, क्योंकि शुगर के मरीज का जो जख्म होता है वो ठीक होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। जब आपको बहुत ज्यादा अपना एक चेकअप जरूर करवाएं, ऐसे मरीज जब देखें कि उनका वजन अचानक गिरने लग चुका है, बल्कि ऐसे लोग जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको शुगर है, वो कम से कम जब उनके पांव के अंदर जलन हो रही है वो अपने आप का चेकअप जरूर करवाएं, अपनी शुगर को देखें, अपना LFT करवाएं। इसके साथ ऐसे मरीज जिनका वजन तेजी से गिर रहा है लेकिन वो अपनी वर्जिश और अपने रोजमर्रा के कामकाज में फिलहाल बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं और उनको पता नहीं चल रहा होता, अक्सर मैंने वर्जिश करने वाले लोग देखे हैं शुगर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं लेकिन उनकी डेली की जो एक्सरसाइज होती है वो उसी तरीके से चल रही होती है लेकिन उनका फेस डल रहा होता है, जिस्म में झुर्रियां पड़ रही होती हैं और उनको खुद फील नहीं हो रहा होता है, और जब अचानक वो चेक करवाते हैं तो उनका शुगर बहुत ज्यादा हाई होता है, उनको शुगर हो चुकी होती है। लिहाजा ऐसे मरीज अच्छा एक तो हम शुगर के जितने भी मरीज हैं उनको एक बात जरूर बताएं आपको कि अगर आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं तो शुगर को आप पांव के तले रौंद दें, यानी कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें। पांव के तले रौंदने का मतलब हम बोलते हैं कि वर्जिश करें वो, अच्छा ठीक है, यानी कि जितना वर्जिश करेंगे वो क्या बोलते हैं प्रेशर पॉइंट पे ज्यादा वजन होगा इसका जी। और मैं किसी का एक फिक्रा सुन रहा था
कि किसी ने एक किताब लिखी थी और बहुत ज़्यादा उसने महंगी, वो खरबों के हिसाब से उसकी जो ऑक्शन हुआ था वो बिकी थी। अच्छा। तो उसके जब कोई बंदा एक वो खरीदता है और वो बंदा जो ये किताब को बेचता है उसने सेहत के मुतालिक ये लिखी थी कि लंबी उम्र पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब वो उसको लिबरल वेब उसका ये निकलता है कि जब वो ऑक्शन होगी उसने खरीदी और जब उसने उस किताब को खोला तो वो उसके जो औराक थे वो सारे साफ थे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर कि मैंने बहुत ज्यादा घाटे का सौदा कर लिया, इतनी महंगी मैंने ले ली, लेकिन उसके आखिरी औराक के ऊपर ये लिखा हुआ था कि अगर आप लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने पाँव को गर्म रखें और दिमाग को ठंडा रखें, ठीक है। पाँव को गर्म रखने का मतलब उसने बोला जब मैंने इसके ऊपर अमल किया तो मैंने ये महसूस किया कि मैंने इसको बहुत कम कीमत के अंदर खरीद लिया है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। यानी कि जब हमने अपना चलना फिरना, अपने पाँव को चलाए रखें आप, और जब भी कोई ऐसी बात होती है आप अपने दिमाग को ठंडा रखें। दिमाग को ठंडा रखने का मतलब ये है कि गुस्सा नहीं करें बिला वजह, अपने आप के ऊपर हर चीज हाइपर नहीं करें, अपने काम को अपने ऊपर हाइपर नहीं करें। और इसी तरह जब अपने कोई काम करना है, कुछ करना है, बहुत ज्यादा आपको कहीं पे पैदल जाने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि अपने आप को वॉक के अंदर रखें, आराम पसंद नहीं बनाएं। पाँव को गर्म रखने का मकसद यही है कि आप अपने बॉडी में जितना ज्यादा इसको मेहनत करेंगे और जो आपने खाया होगा, जितनी कैलोरी आपने ली होंगी, इस मेहनत के बाद वो आपके जिस्म के ऊपर जो है लग जाएंगी, आपकी बॉडी के ऊपर लगने के बाद आपकी बॉडी को मजबूत करेंगे। आपके आने वाले वक्त के अंदर जो है आपकी बॉडी जब मजबूत होगी, आप अपने काम के अंदर दिल लगा के काम करेंगे, आप अपनी तरक्की के अंदर जो है इसको बुनियाद बनाएंगे। तो लिहाजा ये फिक्र मैं दोबारा से इसलिए दोहराऊंगा, इसकी शुगर वाले मरीज के साथ साथ हर उस शख्स के लिए बड़ी अहमियत है जो खुश जिंदगी अच्छी गुजारना चाह रहा है। और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो है इस दुनिया के अंदर बहुत लंबी जिंदगी जीना चाह रहा है, दोनों चीजें हैं, खुश भी रहना चाह रहा है और लंबी जिंदगी भी गुजारना चाहता है। इसके लिए आपको अपनी जुबानी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, माओ को अपने बच्चों को अच्छी सेहत देनी पड़ेगी, माओ को मौसमी सब्जियां बचपन से जिस वक्त अपने बच्चों को खिलाएंगे। अक्सर एक अल्फाज बोले जाते हैं कि जी हमें जो खानदानी शुगर है, हमारे चाचा को थी, हमारे वालिद को थी, हमारी वालदों को थी। मेरे नजदीक जहां तक मैं शुगर की सर्च के अंदर गया हूं कि शुगर खानदानी यहां तक होती है कि इसकी हिस्ट्री जो मैंने देखी है वो, क्योंकि आपके घर के अंदर वो खाने खाए जा रहे होते हैं, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव तो दुनिया का होगा, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव तो दुनिया का होगा, ए बी पॉजिटिव दुनिया का होगा। दुनिया के हर उस शख्स को शुगर नहीं है जिनका ग्रुप ये पाया जाता है। चंद ग्रानों के अंदर अगर ये खून पाया जा रहा है और उनको शुगर है, अभी मैं भी पॉजिटिव हूँ, एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे खानदान में किसी को भी शुगर नहीं है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे खाने का घर का जो लाइफ स्टाइल होता है ना, वही हमारी खानदानी हिस्ट्री बनता है बीमारियों की। यानी कि माएं अगर बचपन से अपने बच्चों को शौकीन बनाती हैं उन चीजों का जो उनके घर के अंदर नहीं खाई जाती थी, लेकिन वो आने वाली नस्लों को कद्दू भी दे रहे हैं, टिंडे भी दे रहे हैं, शलजम भी दे रहे हैं, बैंगन भी दे रहे हैं, तो आपको अगर इनकी अफादियत का पता चल जाए जिन चीजों का मैं नाम ले रहा हूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या चीजें रखी हैं जो हमारे ऑक्सीडेंट के तौर के ऊपर काम हो रही है, हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने के ऊपर काम हो रही है, हमारे जिस्म से बीमारियों को खत्म करने के लिए काम हो रही है। लिहाजा आप अपने जुबान के जायकों के साइड के ऊपर रख के अल्लाह की बनाई हुई उन चीजों के ऊपर आप आ जाए जो अल्लाह तआला ने मौसम के हिसाब से आपके लिए हलाल रखी है, आप उन चीजों को खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, तो आपके ग्रानों में आने वाली जो हिस्ट्री होती है बीमारियों की, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिंग जो है हमारे अंदर एक आ चुकी है, विरासती बीमारियां जो है, इंशाल्लाह आपके घर का डाइट प्लान चेंज करने के बावजूद आपके अपने खाना पीना जो है वो जो पहले आप खा रहे हैं, जो आपके बच्चों को पहले पसंद है, जो आपके खानदान में पहले पसंद है, आप गौर करें उनको चेंज करने की।
आप ये अपने घर के अंदर निजाम चेंज करें, बीमारियां इंशाल्लाह विरासती नहीं आएंगी, आपके जिस्म से विरासती बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। साजिद भाई ने यकीन करें हमें वो राज बताया है, गोल्डन राज जिसे कहते हैं। एक तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैं सुन भी चुकी थी, और इन्होंने जब कहा कि जिंदगी खुश भी रहना चाहते और लंबी भी जिंदगी गुजारना चाहते तो पाँव को गर्म और दिमाग को ठंडा रखें, और ये बड़ी अच्छी बात है और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट भी कीजिए। और दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि सब्जियों को अगर हम चाहते हैं आने वाली नस्लों को बीमारियों से और इस गंदी मूजी बीमारी शुगर से बचाना चाहते हैं जो हमारे अंदर तमाम ऑर्गन को डिस्टर्ब करती है, तो बचपन से ही बच्चों को जो यूज टू कर लें कि वो सब्जियां खाने के इस्तेमाल करने में आदी हो जाए। बैंगन में फुल आयरन होता है, पालक में फुल आयरन होता है, लौकी टिंडे इसमें पहले से ही तमाम मिनरल्स मौजूद होते हैं, खीरा कच्चा खाएं, मूली हमारे खाने को हजम कर, यानी कि वो तमाम चीजें जो सब्जियां कद्दू बहुत सारी चीजें यकीन करें तमाम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक ये सब हमारी सब्जियों में फुल होता है। और अगर जो लोग गोश्त को इरिटेट होते हैं वो लोया के वो सोयाबीन है लोबिया 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 खाना शुरू कर दें, उसके अंदर तमाम जो है ना ये कहूंगी जो गोश्त में मौजूद होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। मेरे भाई ने जो भी जो हमें पूरी एक लाइन दी है ना हमारी आने वाली जनरेशन को यूज टू करने के लिए, जो अक्सर लोग कहते हैं मेरे बच्चा तो गोश्त के बगैर कुछ खाता ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उस बच्चे का जो है एक बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ कहेगा मैं गोश्त खाऊं, मैं बाजारी चीजें खाऊं, मैं फास्ट फूड खाऊं, क्योंकि आप उसको यूज टू नहीं करें। जी साजिद भाई जी, मैं एक तो आपको ये बताता चलूं कि हमारे मतलब के अंदर जो है वो तकरीबन हम अल्लाह के फलो करम से, क्योंकि मेरा एक मतलब जो है वो एक हॉस्पिटल की मानिद है और जिसमें तकरीबन हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है। अक्सर हमें कॉल्स आ रही होती हैं कि आप फलां बीमारी का इलाज भी करते हैं और फलां बीमारी का भी इलाज करते हैं। अल्लाह के फलो करम से एक हम बालों से लेके पाँव के नाखून तक जो भी बीमारी इनमें इंसानी बॉडी जिस्म में मौजूद होती है हम सब का इलाज करते हैं। हमारे मतलब के अंदर जो इलाज हैं उसके अंदर हम हेपेटाइटिस ए बी सी का इलाज भी करते हैं। इसके साथ जो है पित्ते में हो जाने वाली पथरी उसका बिल्कुल मुजर्रब इलाज है, शाफी इलाज है अल्लाह के फलोक्रम से। गुर्दे में हो जाने वाली पथरी जहाँ पे ऑपरेशन का बोल दिया गया है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। बाईपास के लोग जिनके ऑर्टिकल जो ऑयोटिक वाल है उसके अंदर अगर वो सही तरह से बंद नहीं हो पा रहा, उसके अंदर कैल्शियम आ चुकी है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है या किसी भी वजूहत की बना के ऊपर ब्लॉकेज हो चुकी है, आपको रिकमेंड कर दिया गया है कि अगर आपने स्टंट नहीं डलवाया तो आपके लिए जो है खतरा है। हम आरज़ाए कल्ब के अंदर मुब्तला लोगों को ये खुशखबरी देते हैं अल्लाह के हुक्म से, अगर ये रिकमेंड कर दिया गया है आपको कि अगर आपने बाईपास नहीं करवाया या स्टंट नहीं डलवाया तो आपकी जिंदगी को खतरा है, और वाकई ही खतरा होता है इसमें कोई शक नहीं है, तो आप हमसे राबता करें। हमारी मेडिसिन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर भेजी जाती है, इसराइल मुल्क के अलावा हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी मेडिसिन भेजते हैं जहाँ पे हमारे अच्छा। जी अल्लाह के फलो करम से हम हर उस मर्ज का इलाज जिसका मुमकिन नहीं है जदीद मेडिसिन यानी कि जिसमें एलोपैथिक अगर कहीं पे जवाब देगा तो तिब, क्योंकि अजल से है और तिब के अंदर अल्लाह पाक ने ये शफा हर बीमारी की शफा रखी है, जहाँ पे हमारी जदीद जो एलोपैथिक है जवाब देती है वहां से तिब का आगाज शुरू होता है। सरतान के मुतल्लिक, कोई कैंसर के मुतल्लिक, ऐसा बिगड़ा हुआ कैंसर हो कोई भी, और हर तरफ से जवाब आ चुका है कि जी इलाज मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं हम हेपेटाइटिस ए बी सी ई यहाँ तक के ऐसे लोग जो जिनको कहा गया था कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट होना है या एचसीसी में चले गए थे, हेपेटोसेल कार्सिनोमा जिगर के अंदर आफ्टर सोराइसिस या विदाउट हेपेटाइटिस सी या बी या हेपेटाइटिस बी और सी के साथ लीवर सिरोसिस हो चुका है, उसके बाद हेपेटोसेल कार्सिनोमा एचसीसी हो चुका है, ट्यूमर जिगर के अंदर पैदा हो चुका है, जिगर खत्म हो चुका है और एडिमा हो चुका है, आपको सेटिस करनी पड़ रही है, पानी निकलवाना पड़ रहा है, पेट फूल चुका है, इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है।
बवासीर की हर की इकसाम का इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होता है, जिसके अंदर बगंदर है, बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, नवासीर है, बवासीर है, और इसकी जितनी भी इकसाम है इसके मतलब भी इंशाल्लाह हो सकता है हमारा अगला टॉपिक हम बवासीर के ऊपर रखें, जितनी इसकी इकसाम पाई जाती हैं बवासीर में। और बहुत ही मुझी मर्ज है, शुगर की तरह यह भी बहुत ज़्यादा मुझी मर्ज है, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से इसी तरह उनका इलाज भी मुमकिन है। बालों के लिए मेरा ऑयल, जिसका अक्सर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है, ख़ासतौर पे लेडीज़ और ऐसे लोग जो गंजपन का शिकार हो चुके हैं, और गंजपन के अंदर मैं इतना बताऊँ कि मेरे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो कॉल्स आती हैं और जो हमारा ऑयल मंगवा रहे होते हैं, उनका ये होता है कि जी क्या शर्त है कि हमारे बाल जो है वो वापस निकल आएंगे। हम यहाँ तक के कोई शख्स हमारे पास स्टाम्प पेपर लेके आ जाए और उसके ऊपर साइन करवा ले कि भी हम गंजे हैं, और उनके सर के ऊपर एक भी बाल ना हो, बिल्कुल हमारे हाथ की तरह उनका सर मुलायम हो, तो हमारे इस रिगेनी हेयर ऑयल के साथ और एक हमारी क्रीम है इसके साथ, रिगेनी हेयर क्रीम, यार एक बात बता, अगली बार ना लेके आना, क्योंकि मुझे अब आपके बालों से जेलिसी होने लग गई है। कुछ लोग कहते हैं ये विग लगा के तो नहीं बैठे, एक दिन मैं अपने भाई की मोगलों की कंघी करके बताएं आप किस तरह, तो इनके बाल जो बाल है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और मुझे सवाल कर रही है वही एक प्रोग्राम चल रहा होता है और उसके अंदर एक जो अभी बात सुनिए, हेयर के बारे में बात करेंगे और आपने यूं यूं करके थोड़े बाल दिखाने, अभी ब्रेक के बाद अभी अच्छा जी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम गोल्ड मेडलिस्ट, अमराज कल्ब, बेउलादी, गंजपन, पिता पत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात, राब्ता कीजिए 03-11-92-999-76। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं, तो वो कौन है ये हमारे साथ तो मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा, हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में हाजिर है, और एवरी थर्सडे हम बहुत ही जो है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी पर और हेल्थ पर बात करेंगे, और एवरी थर्सडे हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम साजिद इस्लाम साहब, और हम इनको वेलकम करती हूँ अगेन, क्योंकि हम ब्यूटी की यानी कि हेल्थ की बात करते करते आ गए हम जरा ब्यूटी पे कि यार ये इतने खूबसूरत बाल, जो कहते हैं ना खुद एक सैलून में अगर ब्यूटिशियन हो ना वो खुद प्रेजेंटेबल नहीं हो तो मजा नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर की भी ये बात है कि अगर वो खुद मोटापे की बात करे वो खुद हेल्दी हो, अगर वो ब्यूटी की बात करे उसका अपना स्किन अच्छा ना हो, अगर वो हेयर की बात करे उसके अपने हेयर अच्छे ना हो तो फिर मजा नहीं आता। और ये डॉक्टर अब ऐसे हैं कि जब वो इनकी क्लिनिक में तो वैसे ही रश लगा होता है, और जब इनको देखा जाए तो इनकी प्रिटनेस और इनकी ग्लोइंग स्किन ओरिजिनल, देखिए हम लोग तो मेकअप करके बैठे हैं ना, इनकी स्किन माशाल्लाह खुद से ग्लो करती है, दिल के भी अच्छे हैं, जबान के भी अच्छे हैं, और ये ही प्रेजेंट करता है कि इंसान कितना अच्छा है। एक बार फिर वेलकम करती हूँ हकीम साहब, और कितने पेशेंट आपके पास आते हैं माशाल्लाह? सभी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा क्योंकि हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है इन वजूहत की बिना के ऊपर जो मैं ये जो एड्रेस आपके पास चल रहा होता है मेरा जी, जी। ये मेरा एक मेडिकल स्टोर टाइप भी है और यहाँ पे मेरा क्लिनिक भी बना हुआ है मौजूदा, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक मेरे पास रश होता है, इतना रश होता है कि मेरे पेशेंट को इंतजार करना भी पड़ता है, और अपॉइंटमेंट लेके आना है तो ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं अपने पेशेंट जो मेरे पास जो कॉल करके भी आ रहे होते हैं, अच्छा मेरे पास कोई अगर पेशेंट आता भी है ज्यादा से ज्यादा उसको अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता है, इससे ज्यादा हम इस तेजी से अपने पेशेंट को जो है वो डायग्नोस के बाद जो है वो तशखीस हम करते हैं। अक्सर पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं जो हमसे आने से पहले ही हम उनका करूरा लिया होता है,
और हम नब्ज से भी चेक करते हैं जब अच्छा, पेशेंट हमारे पास आपके आता है। बहुत टिपिकल लोग जो बहुत ज्यादा लोगों से बहुत सारे लोगों से ख्वार हुए हुए थे, जुमला अच्छा, सॉरी टू से, वो तब आते हैं इनके पास। सभी देखें, बड़ी उम्मीद के मैं साथ। बोलता हूँ कि बिगड़े हुए अमराज का काम ही हकीम का करना है। जहाँ पे मर्ज बिगड़ जाता है, जहाँ पे सब जवाब दे देते हैं, वहां से अल्लाह के फलोक्रम से हिकमत की इब्तिदा होती है। बड़ी बात। तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर अपने इस इबादत को समझ लेते हैं, क्योंकि हिकमत अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसा लफ्ज इंसान के साथ लगा दिया, हर उस मालिज के साथ लगा दिया, और इसमें अल्लाह पाक ने वो इज्जत रखी है कि जो मैं समझता हूँ कि मुआशरा एक तबीब को देता है, और अल्लाह पाक ने वो एक तबीब को दी है कि हकीम जो है वो अल्लाह तबरक ने एक ऐसे मसीहा का नाम रख दिया है जो इंसानों के हमदर्द और तिब नबी एक साथ जुड़ रहे हैं। और असल में होता यह है कि अगर हम अपने मरीज को देखो, डराने की बात वहां पे आती है, डराने की बात उसकी अपनी सेहत के लिए आती है, ठीक है। और अगर आप किसी भी कोई भी मुआलजीन अपने मरीज का इतना हौसला तोड़ देता है जबकि उसके पास इलाज मौजूद है, लेकिन वो अपने पेशेंट को बिला वजह इतना डराया जा रहा है ये नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, मुमकिन है। लेकिन ये भी सबसे पहली बात होनी चाहिए कि इसकी शिफा मुमकिन है। आप अपनी गलतियों को छोड़ दें, इनको अगर अपनी जिंदगी अपनी चाह रहे हैं तो आप जो आपको एक मुआलिज उस वक्त रिकमेंड कर रहा है, कहते हैं कि अच्छा वो मुआलिज नहीं है जो अपने मरीज को जो है वो अपना परहेज नहीं बताए। अगर वो यही नहीं बताएगा उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वो इलाज के अंदर मुहारत नहीं रखता, और वो मरीज जो परहेज नहीं कर पाए तो वो मरीज नहीं है, तो फिर वो मरीज नहीं है। तो सेकंड बात ये होती है कि जब हम तशखीस को फाइनल कर लेंगे, यहाँ पे लाखों रुपया तशखीस के ऊपर जो लगाया जा रहा है, और अल्लाह के फलोक्रम से हम ये बोलते हैं कि जो रिपोर्ट्स हम करवाते हैं वो रिपोर्ट्स आपके अपने लिए होती है, हम रिपोर्ट्स करवाने से मना नहीं करवाते, हम रिपोर्ट्स करवाते भी हैं। हमारे पास किडनी के फेलियर के जो मरीज आ रहे होते हैं, हम उनकी हर हफ्ते भी कोशिश करते हैं क्रिएटिनिन और यूरिया, वक्त पड़ने के ऊपर ईजीएफआर, और साथ साथ सीबीसी हम करवाते हैं कि जो किडनी का मरीज होता है उसमें खून की जो है बहुत ज्यादा कमी होती है, बिगड़े हुए मरीज के रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स हम बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपना इलाज करते हैं, ताकि हम जब इलाज कर रहे होते हैं मरीज को पता चले कि हम किस सिमत के अंदर जा रहे हैं, कितना ट्रीट हो चुका है, आपके प्रोसीजर भी हो जाए। जब वो हम बार बार रिपोर्टें करवाते हैं, ऐसे मरीज जिनको यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई क्या ऐसा मुमकिन है, आप ऐसी कंडीशन में आए थे, अब देखिए एक महीने बाद आपकी रिकवरी, ऐसी कंडीशन होती है, वो ऐसा होता है। मेरे साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अरब कंट्री के लोग मौजूद हैं, और मेरा उनसे जो जब मैं इलाज कर रहा होता हूँ, एक तो मैं सभी जो 6-7 घंटे का सुबह के टाइम के ऊपर का यूरिन होता है ना, उसकी मैं पेशेंट की अपने पास तस्वीर मंगवाता हूँ, ठीक है, मेरे नंबर्स के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जैसे मैं प्रोग्राम में बताता हूँ जिनके साथ प्रॉब्लम होती है वो अपनी बीमारी के बताते हैं मुझे, फिर मैं अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है खासतौर पर जोंग और मेरे ट्रेनर का नंबर चल रहा है, मरीज जब मुझे अपनी बीमारी के मुतालिक बता रहा है, अपनी रिपोर्ट जो उसके पास मौजूद है, जब वो इलाज करवा रहा होता है, क्योंकि ज्यादा थके हुए मरीज ही हमारे पास आ रहे होते हैं, तो फिर हम आपका दोनों फोन जो है ना वो बजे जा रहे हैं, फिर हम मेरे नंबर के ऊपर, आप जिनके पास व्हाट्सएप मौजूद है वो मेरे नंबर के ऊपर मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं उनको जवाब दूंगा। फिर वो अपनी सबसे मेन चीज होता है कि हम कहीं भी अगर मेडिसिन देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शायद आप समझे इधर हमने बीमारी का नाम लिया और हमने मेडिसिन दे दी। बीमारी कोई भी आपको है, जब तक हम उसकी तशखीस फाइनल नहीं करते, एक ही बीमारी आपको 3 किस्म के खलत के अंदर मिल सकती है, एक तरह की बीमारी आपको जिगर के अंदर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिल के अंदर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिमाग के अंदर भी वो मिल सकती है। यानी कि हम अगर अपनी जुबान में इसको बोलते हैं, आपको एसाबी गुद्दी और उजलाती, एसाब दिमाग है, ठीक है, गुदद आपका जिगर है, और उजलात आपका दिल है, गुद्दी असाबी उजलाती, असाबी उजलाती गुद्दी, आपको किसी भी खलत के अंदर, बलगम के अंदर, सदा के अंदर, या फिर सफरा के अंदर, किसी भी खलत की ज्यादती कमी बेशी के अंदर जब हम इलाज कर रहे होते हैं, हम तहरीकों को देखते हैं, अब हम कहाँ पे तस्कीन है, कहाँ पे तहरीक है, और कहाँ पे तहलील है, यानी कि दिल में तहलील है, दिमाग में तस्कीन है, जिगर में जो है वो तस्कीन है,
कोई भी जो भी हमारी बेसिक तीन अजाई रईसा हैं जिनको जिनके बगैर हम जिंदगी को नामुमकिन मानते हैं, हमारे जिस्म के अंदर अगर इन तीनों में से किसी एक की नफी कर दी जाए, दिल दिमाग या जिगर, इंसानी जिंदगी का होना नामुमकिन, कंफर्म नामुमकिन है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में और बहुत से ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसके ना होने से इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन इन तीनों का किसी भी टाइम के ऊपर फेल हो जाना इंसान की मौत का बायस बनता है। तो लिहाजा हमारा जो इलाज चल रहा होता है वो मिजाज के हिसाब से चल रहा होता है, ना कि सिम्टम के हिसाब से चल रहा होता है। हम बीमारी को डायग्नोज करने के लिए सिम्टम मरीज में देखते हैं, हम फेस रीडिंग करते हैं, मालिक जो होता है वो नब्ज के साथ, फेस की रीडिंग के साथ, आवाज के बोलने के ऊपर हम डायग्नोज करते हैं कि मर्ज के जो है उसकी क्या नोइजा चल रही है या इंसान के अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, उसके बोलने के स्टाइल के ऊपर कि किस अंदाज से वो हमसे बोल रहा होता है उससे हम कंफर्म करते हैं। फेस रीडिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि अगर सुधा गालिब आ चुका है, जिगर का मर्ज है, हेपेटाइटिस है, जो है वो सुधा की गलब के अंदर रंग काला हो जाता है इंसान का, अगर सफरा की खलत है उसके अंदर रंग पीला हो जाता है, ठीक है, अगर वो बंदा जो है वो बलगम के अंदर है उसका उसकी खलत का ज्यादा है तो उसका रंग मतलब फीका रंग हो जाता है, फीका रंग हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह हम डायग्नोज कर रहे होते हैं और हमारा डायग्नोज का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो नब्ज, और नब्ज से भी ज्यादा जो हमारा मजबूत तरीका होता है, उन मरीजों की बात हो रही है सभी जो हमारे पास मतलब में नहीं आ सकते हैं और वो और शहरों के अंदर मौजूद हैं, वो सुबह टाइम के ऊपर किसी भी मशरूब की बोतल जो खाली हो जाती है, जैसे नई ऐसी क्रिस्टल टाइप ट्रांसपेरेंट लें या कांच की कोई बोतल लें जिसके अंदर डिजाइन मौजूद ना हो, जैसे ग्लास की माने कोई ग्लास भी ले लें फिर आप उसको जाया कर दें, उसके अंदर अपना सुबह का यूरिन जो होता है वो यूरिन उसमें करें, पहला यूरिन जो होता है उससे पहले के दिन की ये शरायत होती है कि आपने कोई मेडिसिन ना खाई हो, ठीक है, आपने चावल ना लिए हो, चावल हल्दी वाला सालन ना खाया हो, उससे एक दिन पहले अगर कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं और आप अपनी बहुत अच्छी परफेक्ट तशखीस करवाना चाह रहे हैं हमसे, तो आप ऐसा करें आज सारे दिन जैसे कुछ भी चावल नहीं लें, हल्दी वाला सालन नहीं खाएं जो पेशाब को कलर चेंज कर सकता है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें जो बाकी भी चेंज कर देता है, चुकंदर भी चेंज करता है, कुछ भी ऐसी चीज आप दिन में ना खाएं। इसके बावजूद भी अगर आप इन दो चीजों से भी दो तीन से सभी एहतियात कर लें, चावल से, मेडिसिन से और हल्दी से, फिर भी करूरा ठीक आ जाता है। करूरा हम 6-7 घंटे के बाद फर्स्ट टाइम के यूरिन को बोलते हैं, वो आप किसी भी बोतल के अंदर रख के उसका बैकग्राउंड बिल्कुल जैसे यहाँ पे रोशनी स्टूडियो में मौजूद है ना, तो इस तरह आप उसको यूरिन को लेके और जैसे मेरा ये वाइट है पीछे, इस तरह आप उसको कोई भी वाइट चीज पीछे रखें ताकि बैक में शेड ना पड़े। हमें कलर को देखना होता है क्योंकि जो हमें बलगम है उसमें सफेदी होती है, इस तरह हमारी छह हमारे मिजाज होते हैं, छह तरह के हमारे यूरिन होते हैं, इसके अंदर हमारे पास एसाबी उजलाती होता है, उजलाती एसाबी होता है, गुद्दी उजलाती होता है, उजलाती गुद्दी होता है और एसाबी गुद्दी होता है और गुद्दी एसाबी होता है। ये मैंने आपको क्या बताया, गर्म तर कर गर्म तर से इखलात के अंदर किसी भी चीज के बढ़ने का एंडोक्राइन की तरफ से हमारे नर्व सिस्टम के अंदर जो हमारे दो सेप्टर काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हुक्म रसानी और पैगाम रसानी, इसमें दोनों इखलात होती है, हमें पता चल जाता है किस तरफ वो प्रॉब्लम कर रहा है। इसी तरह हमारे जिगर के अंदर दो सेटअप चल रहे होते हैं, वो होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, हम देखते हैं कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है। आगे आगे हमारा दिल, इसके अंदर अरादी और गैर अरादी चल रहा होता है, इन दोनों में हम देख रहे होते हैं कौन से जो है हमारा रिसेप्टर है या जो भी हमारा ये जो दो मेन इसके काम है
कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है। बस हम सर ये कि यूरिन यूरिन हमारे पास आए तो हम यूरिन की तस्वीर सभी ऐसी हो कि जिस तरह आपको कैमरे के अंदर नजर आ रही है उसी तरह आपको रियल नजर आनी चाहिए, इसमें कोई शेड नहीं पड़ना चाहिए। जब आप ये करेंगे, आप देखें, जब हम आपको 6 इखलात के मुतालिक 3 तबी और 3 गैर तबी बता रहे हैं तो हम आपका इलाज भी तीर बहदफ करेंगे, तो फिर हम आपके 6 बटन बजाने की दबाने की बजाय 1 बटन दबाएंगे, रियल पिक्चर नजर आ जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका टाइमिंग क्या है, क्योंकि नंबर तो स्क्रीन पर मौजूद है, एड्रेस भी मौजूद है, लेकिन आप फिर भी मैं तकरीबन 2:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपने मतलब के अंदर मौजूद होता हूँ। इसी के दौरान के अंदर मुझे जितने भी पाकिस्तान से पेशेंट कॉल्स कर रहे होते हैं या जो मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, मैं उनको टाइम भी देता हूँ। जो पिछले पेशेंट होते हैं उनको हम एक मैसेज करते हैं, आपके नंबर प्रोग्राम में जितनी भी कॉल्स हमारी चली हैं हर एक पेशेंट को हम एक मैसेज छोड़ेंगे, उसके अंदर मेरे ये तीनों नंबर जो चल रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, हम ये उसके साथ लिखा होता है, हमारी टाइमिंग लिखी होती है, मतलब कि हमारे उसके अंदर जो है वो दिन हम डेली। आप एक काम कीजिए, नंबर्स के साथ पिक्चर सेंड कर दीजिए, उनको यकीन आ जाएगा आप उनसे रابطे में आ गए। जी ठीक, ये भी सही है, व्हाट्सएप पे। हाँ जी हाँ, तो दे दीजिए उनको, समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप हमें कॉल्स करें अपने बीमारी के मुतालिक, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट पड़ी हुई है वो हमें भेजें, इसके साथ सुबह फर्स्ट टाइम का यूरिन हमें भेज दें आप, उसके बाद भी फिर हम आपसे बात करेंगे आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद। देखिए आपको बीमारी कुछ अच्छा, भी अच्छा आप टाइम मैं बात पास एक मिनट रह गए, मैसेज दे दें और संडे को कितने बजे बैठते हैं वो बस अब वो बताइएगा जी। हम पूरा हफ्ता जो है किसी दिन कोई छुट्टी नहीं होती है, टाइमिंग ये हुई 2:30 बजे से 3 बजे से रात के 11 बजे तक फाइनल होता है, 3 बजे से रात के 11 बजे तक इंशाल्लाह मतलब पे मौजूद होता हूँ। आप मेरा संडे को भी यही टाइम है, सेम टाइम है। ओके जी, छुट्टी मैसेज अपने नाज़रीन को, अपने बीमारी को आगे ना करें, अपने बच्चों के लिए और अपने खानदान के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए। अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब होना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपके बच्चे आपके ऊपर, यानी कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उससे आगे चले जाएं और कामयाब हो जाएं, इसके लिए आपको फिट रहने की जरूरत है। अगर आप अपने और अपने बच्चों को तरबियत के साथ साथ आप उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं तो आप इस मुआशरे को, अपने पाकिस्तान को एक अच्छा शहरी तरबियत के साथ और सेहत के साथ, एक अच्छा इंसान जो अपने जिम्मेदारियां निभाएगा अच्छी सेहत के साथ, अपने घर के अंदर डायग्राम बनाएं। मेरी माए बहनें जो सुन रही हैं, आप अपने घरों के अंदर पकाने के हिसाब से एक डायग्राम बनाएं और आप अपने घर में हर वो चीज बनाएं जिसको हमें इंसानी जिस्म को जरूरत है, एक ही चीज के ऊपर अपने बच्चों को नहीं लगाएं। अच्छा मुआशरा, अच्छी सेहत, अच्छा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, और आपके लिए आपकी औलादें जो होगी इंशाल्लाह नेक और इस पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगी, हमारी यही ख्वाहिश है और सभी से हम फाइनल करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई, अगली जुमरात को हम ब्यूटी पर प्रोग्राम करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं आपके बाल जो है वो बहुत हसीन नजर आए और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत नजर आए और आपकी होने वाली है शादी, तो नेक्स्ट थर्सडे जुमरात को प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। हकीम साजिद इस्लाम, गोल्ड मेडलिस्ट, अमराज कल्ब, बेउलादी, गंजपन, पिता पत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात, राब्ता कीजिए 03-11-92-999-76। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं, तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है।
वेलकम अगेन, मेरे दिल की धड़कनें हो गई हैं तेज। थोड़ा आहिस्ता बोलते हैं शहजादे। अच्छा जी, एक बार फिर खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में, जहाँ सभी हैं वहाँ सभी हैं, और यही सबसे खुशी की बात है। और जी, ये है ब्यूटी सेगमेंट, और डे बाय डे मेरे ब्यूटी सेगमेंट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और हम दे रहे हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि हम उनको आगे लेकर आए और आपको बताएं बींग अ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स और तमाम ब्यूटी से रेलेवेंट खवातीन किस तरह आगे आ रही है। इसके लिए मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी बहुत कुछ खास रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना मॉर्निंग शो में, ऐसा कुछ नहीं है। या सब बच्चियां आ सकती हैं, जस्ट वो टैलेंटेड हो। लेट्स सी, हम प्रोग्राम की जानिब चलते हैं, और आप भी हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 03158248704, स्क्रीन पर नंबर है, मैं ज़रा फास्ट बोल रही हूँ। अच्छा जी, हमारे ब्यूटी के साथ साथ स्किन की ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमें थोड़ा, अगर हम अपनी ब्यूटी का खुद घर में भी ख्याल रखें, सलून ना भी जाएं, तो इनिशियली, और कहते हैं ना कि रेगुलर क्लिनजिंग बहुत जरूरी है, बहुत सारी बातें। और कौन सी रीजन से जब हमारी स्कार बढ़ होते हैं, घर बढ़ जाते हैं, स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, डलनेस आती है, तो ये हमारी मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर सोहेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जाते? जब आपने बुलाया मैं दौड़ी चली आई, और वाकई में एस्टर को जब याद करते हैं, इसकी मोहब्बत है, और हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी ब्यूटी सेगमेंट में डे बाय डे एस्टर को हमेशा ज्वाइन करें। अच्छा जी, बात हम इनसे भी करेंगे, लेकिन उनके बराबर बहुत ही सीनियर टीचर इंस्ट्रक्टर ब्यूटी फील्ड में अपनी जगह एक बहुत मंझी हुई टीचर इंस्ट्रक्टर है, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है, सलोन भी रन कर रही है, और यहाँ पर मौजूद है। और मेमन फाउंडेशन इज अ बिगेस्ट इदारा है हुसैनाबाद में, और वहाँ पे बच्चियाँ बहुत ज्यादा सीखती भी हैं, उनका भी वो हिस्सा बन चुकी हैं। तो यहाँ पे है फरहाना रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। बहुत सारी बच्चियों को आपने बना दिया है ब्यूटी एक्सपर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैम भी मेरे साथ है, एस्टर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक ब्यूटिशियन भी मौजूद है, जिन्होंने खूबसूरत सा एक एंगेजमेंट मेकओवर जो है, बड़ा खूबसूरत, हम इसे निकाह का मेकअप भी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह जो भी, हम एक सॉफ्ट मेकओवर है यहाँ पर, बड़ा सॉफ्ट, और ड्रेसिंग हर चीज क्यूट सी, वो बच्ची बड़ी क्यूट है मॉडल, तो इन्होंने बनाया है। और इनका नाम है परी मिर्जा, और इनका सैलून है परी ब्यूटी सैलून। चाहिए अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी। आपका नाम है परी मिर्जा जी। अच्छा जी, सैलून, ये आपने जो मेकओवर किया बड़ा प्यारा सा, केस सॉफ्ट सा अच्छा लग रहा है, बच्चे भी सॉफ्ट है। अच्छा, बच्चे इसलिए। अच्छा, ये भी बड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है कि आया कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी एज और उसके ऊपर क्या चीज सूट करेगी। आपका बहुत एक गुड वो है कि आपने बहुत खूबसूरत, मैं चाहूंगी थोड़ा इसकी ब्रीफिंग हो जाए, फिर हम लोग अपने गेस्ट से भी बात करते हैं। थोड़ा देखूं, गुड़िया आईज क्लोज कीजिएगा, थोड़ा मुझे बताएं सबसे पहले क्या आपने, ज्वेलरी भी बहुत हल्की सी टच की है, तो ये बताएं कि आपने सबसे पहले बेस कौन सा लगाया, क्योंकि इनका चेहरा बड़ा स्मूथ है, बेस बड़ा प्यारा लगाया आपने। कैरेलॉन की 38 स्टिक लगाए मैंने, उसी के पैन के। ओके, कैरेलॉन की 38 स्टिक आपने पहले यूज की, ठीक है, फिर उसी के पैन के यूज किया, और पैन के। ओके, सॉफ्ट, ठीक, 8-11 TL11 मैं क्लियर इसलिए बोल रही हूँ कि अगर परी मिर्जा की आवाज क्लियर नहीं आ रही तो देन में ब्रीफ। आईज क्लोज कीजिएगा गुड़िया। यस, अच्छा आपने थोड़ा जी आई मेकओवर का भी बताइए। अल्लाह की बंदी, आंखें बंद कर लो। ओके गुड, अच्छी लगी है मुस्कुराते हुए। चले जी आगे, आप मॉडल आईज। अच्छा, मॉडल आईज किए इन्होंने, और हल्का सा हेयर स्टाइल सॉफ्ट अंदाज में प्रेजेंट किया, ऐसा ही है भाई। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, उनकी प्रेजेंटेशन भी हम दिखाएंगे। परी जो है, परी मिर्जा ने बहुत खूबसूरत मेकओवर किया है, ब्रीफिंग भी की है इन्होंने। ये बताइएगा, सबसे पहले मैं फराना से बात करूंगी, जो बच्चियां आगे आ रही हैं और हम उनको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि चले वो कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंट करें जी, जी, माशाल्लाह। और इनके अपने एरिया में लोग क्लाइंट भी बने हुए होते हैं जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो बच्चियां जो है आगे, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मेकओवर का, तो क्या वो उनको लॉन्ग कोर्सेज करनी चाहिए, शॉर्ट कोर्सेज भी साथ में करना चाहिए?
देखिए दोनों करने चाहिए, इसलिए कि देखिए हर एक में पिकिंग पावर इतनी नहीं होती। बाज बच्चियां जरा मेंटली तौर पे कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब भी होते हैं सबके साथ, तो वो इतनी जल्दी पिक नहीं कर रही होती। तो लॉन्ग कोर्सेज भी और शॉर्ट भी दोनों साथ रखने चाहिए। अच्छा। जहां से आपको मिल रहा है, और एक ही टीचर को नहीं कभी भी पकड़े। मैं खुद टीचर हूँ हालांकि, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुख्तलिफ टीचर से सीखे, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। हर एक के पास कुछ ना कुछ गट्स है, कुछ अपनी टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक्स आप उनसे लें। हर टीचर को आप जरूर, ये नहीं कि एक के पास गए तो बस उसी के होके रह गए, आपको हर टीचर के साथ जो है ज्वाइंट रहना चाहिए। अच्छा काम किया इन्होंने भी, बट अभी सीखने के लिए बहुत बहुत और कुछ चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल सही। और ये है कि अभी पहला कदम है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी। और मैं उन बच्चों के लिए भी ये बात बोलूंगी अपने गुड मॉर्निंग विद साबी के साथ जो प्रोग्राम हमें यहाँ बुलाए गए, यकीन करें बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग गाएं, मैं मुझे बहुत लोग जानते हैं, हजारा स्टूडेंट है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो स्टूडेंट मुझसे रब्ता करें, मैं यहाँ तक आपको पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह, इनके साथ हूँ मैं। और आप लोग बिल्कुल, और मैं अपने सलाम में भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत रीजनेबल क्लासेस दूँ, सिखाऊं, बहुत अच्छी कोशिश करती हूँ सिखाने की। और ये मेरे तमाम स्टूडेंट जरूर बोलेंगे कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, कुछ छुपाती नहीं हूँ, सब कुछ देने की। लाइव बताऊंगी, सिखाऊंगी बिल्कुल हर चीज। तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करें, नंबर तो आप साबिका भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इनके साथ भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई डरने की खौफजदा होने की बात नहीं बेटा, जहां से जो मिल रहा है उसको आप पिक करें। अच्छा एक और सवाल इसी से कनेक्ट करता हुआ मैं करूंगी फराना, कि फॉर एग्जांपल जो बच्चियां हैं एक जरा किसी सलोन में थोड़ा सीखती हैं, जैसे कहीं ना कहीं कोई रिकमेंड करता है ना कि परी अब तुम यहाँ पर जाओ प्रैक्टिस, अभी सीखा उसने कुछ नहीं है, अब वहां सबसे वो पिक कर रही है, बेसिकली वो बेसिक कोर्स नहीं कर रही जिसकी, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से रह चुकी हूँ और मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। मैंने बेशक इसका वो सैलून में नहीं, क्योंकि मैं होस्टिंग में आ गई थी, तो इसकी मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, तो मैं एक हैरान हूँ, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप समझते हैं जो बच्ची को हम जाके सैलून में खड़ा कर देते हैं और वहां जो काम हो रहा था वो समझते हैं, उससे वो सीख जाएगी? नो वे, ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए क्योंकि सैलून में जब आप देख रहे होते ना तो आप वहाँ पूछ नहीं सकते, वो तो प्रोफेशनली काम चल रहा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल काम हो रहा है, आप सीख ही नहीं सकते वहाँ पे। जब आप क्लासेस लेते हैं तो टीचर आपके साथ खड़ी होती है, वो आपको गाइड कर रही होती है, वो आपके मिस्टेक को पकड़ रही होती है। सैलून में थोड़ी आपके मिस्टेक को पकड़ेंगे, वो तो कहेंगे बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है आप देख रहे हैं। अगर चले कर रही है जैसे, चलो थोड़ा नॉलेज मिल रही, लेकिन आप बेसिक ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से जरूर लें, किसी ना किसी टीचर से जरूर। बिल्कुल बिल्कुल 100% लीजिए, और बहुत जरूरी है। और मैं दोबारा भी ये बात बोलूंगी कि एक टीचर से नहीं, हर टीचर से सीखे। अच्छा जी एक और बात है कि अगर मेकअप हो गया, अब बात यह कि कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, हर पार्टी में मेकअप करना पसंद करते हैं, लेकिन मेकअप करने पे ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छा ब्रांड यूज करें, आप अपनी स्किन को ट्रीट क्लीन क्लींजर, ये सारी चीजें कब इस्तेमाल की जाएंगे? एस्ट्रो हमें बताएंगे कौन कौन से रीजन है जिससे स्किन में डलनेस आती है, पानी कम पीते हैं, या कौन सी वजह है जिसमें हमारे स्कार बड़े हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, या रिंकल्स बढ़ जाते हैं, रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स? रीजन ये है कि एक तो वाकई पानी हम कम पीते हैं, दूसरा स्कार जो बनते हैं अक्सर लोगों को एक्ने जब होती है ना तो उसको पिंच कर देते हैं, नेल से पिंच करते हैं तो वो वहां पे स्कार बन जाता है, क्योंकि एक्ने नीचे अपना वो एक स्कार पहले से बना चुकी होती है। तो पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट जो है वो चीजें लें, जैसे जिसमें विटामिन सी है, ठीक है, ये सारा लें। और रिंकल्स के लिए ये है कि स्किन को मॉइस्चराइज रखें ज्यादा से ज्यादा, जितनी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी उतना ही आपके रिंकल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन फ्रेश और हेल्दी रहेगी। अच्छा मॉइस्चराइज का एक होता है कोई ना कोई क्रीम, कोई प्रोडक्ट यूज करना होता है, ठीक है, जिसमें हाइलुरोनिक हो, जिसमें हाइड्रेशन हो, आप ऐसी चीजें चूज करें, किसी भी कंपनी तो बहुत सारी है, हम किसी का नाम नहीं लेते लेकिन अच्छे मॉइस्चराइजर यूज करें। अभी मैं मॉइस्चराइज की मैं बात करूं तो आप मुझे जरूर बताना है अभी कि यार ऐसी शायद मैंने लास्ट में बताया था। अच्छा बेस्ट मॉइस्चराइजर जो है कोकोनट ऑयल। अच्छा याद आया, जब से मैं लगा रही अच्छा बेस्ट है, बहुत अच्छे स्किन क्लींस भी होती है उससे, बहुत अच्छी और बेस्ट मॉइस्चराइजर, ओरिजिनल हो, ओरिजिनल हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो, जब वो सर्दियों में जम गया था तो समझ ले ओरिजिनल है। हाँ बिल्कुल हाँ ऐसा ही है, वो मैं मुझे अच्छी तरह याद है, वो डॉक्टर हर्बलिस्ट लेकर आए थे, अच्छा लगा था, उससे जो है आपकी स्किन जो है ना अभी एक्स्ट्रा वर्जन जो होगा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जन वो बहुत अच्छा होता है, और ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा हम बादाम का ऑयल
भी बड़ा अच्छा है। हाँ, और इसके अलावा हम जब ये तमाम चीजें, विटामिन ई बहुत अच्छा होता है अगर उसको भी किसी ना किसी आप जैसे इसमें मिला लिया बादाम के ऑयल में, तो वो भी बहुत अच्छा है, हमें इम्पैक्ट देता है स्किन के लिए। लेकिन साथ साथ पानी, जूस, कोई भी आपके जो है ना स्किन इश्यूज कोई भी नहीं होता। अच्छा, मैं पता क्यों आपको इनको बिठाया, पता है आप ब्यूटिशियन को देखिएगा कभी, ब्यूटिशियन ना अपनी खुद बेचारी खड़ी रहेगी इतनी देर की, मेरी प्यारी बहन गवाह है। वैसे ऐसे ही ना जो बेचारियां सुबह 10 बजे मेंटली जाती है, क्योंकि बेशक सैलून में क्लाइंट 12 बजे या 11 बजे से, लेकिन ये बेचारियां जो है सुबह 9-10 बजे पहुंचती हैं अपने सैलून को क्लीन करवाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, वॉशरूम भी क्लियर हो, बेसन भी जो भी आपका वॉश बेसन, हेयर वेयर धुलते हैं, जो भी गंदगी है वो बाल कटे हुए वो सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के, रात को 12 बजे जी कोई शादी आएगी ना तो सब थकी हुई होती है, वो बस भाग जाती है, सुबह स्पेशल स्वीपर आता है लेडी हो या जो, फिर वो क्लीन करना ना ना करते इनको 11-12 बजे थे। और ये दोपहर की बात करी, उसके बाद जब इनकी वर्किंग स्टार्ट होती है तो यकीन करें रात को 1-1 बजे तक ये उन पाओ के ऊपर मुस्तकिल खड़ी रहती है। आसान नहीं है वो विजन क्लियर किया, जो ऐसा ही होता है तो ये थक जाती है, फिर अपना इनका कुछ बेचारों का ना खाने का पता होता है। अच्छा आ गया खाना, आ गया, सब मिलके खा रही है, ये बड़ा खूबसूरत सीन होता है कि कुछ अपने घर से लाती, गर्म हो गया, इनको ये भी नहीं तो क्लाइंट है फिर थोड़ा, अच्छा तुम पहले खा के आ जाओ फिर मैं तुम्हें भेज देना, क्लाइंट ना नाराज हो, उसको भी जल्दी हो रही होती है, मैंने शादी पे जाना है, मेरी पार्टी मेकअप रह गया। अच्छा यहाँ पर सीन खोल भी आई, आधे आधे मेकअप हुए मैं बैठी क्या हुआ, अच्छा जी उसका हो जाए ना फिर हम आपके पास आते हैं। अल्लाह पाक सबकी रोजियों में यूं कर दे। इन सब का कहने का मकसद है कि जो सैलून में एक ब्यूटिशियन होती है ना उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कहने का मकसद वो अपनी डाइट का ख्याल रखे, ऐसा ही कहना है। डाइट ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल डाइट सबसे पहले, क्योंकि डाइट ही तो हमारे चेहरे पे नजर आती है। यही तो मैं चाहती हूँ कि एक ब्यूटिशियन है वो खुद प्रेजेंटेबल, अब उसके लिए मुझे टिप्स देंगे, इसलिए इतना मैंने घुमाया फिराया चुरंगी पे किस लिए, एस्टर के लिए, एस्टर पे ब्यूटिशियन क्या इनटेक करें, क्या हर्ब्स खाएं स्पेशल जो हर वक्त उनके पास रहे, वो बताएं कि बादाम उठा उठा के मुंह में डाले, अखरोट उठा के मुंह में नहीं, बादाम अखरोट तो चलो खाएं, लेकिन बहुत इससे भी बहुत अच्छी चीजें हैं सैलेड खाएं, वो ऐसी चीजें ना आप चलते फिरते भी काम करेंगे, आप काट के बॉल में रख ले, आप चलते फिरते भी मेकअप करते करते भी आप आराम से इसको खा रही है, जिसमें ककम्बर है, बीटरूट है, कैरेट है, आप ये सारी जिसमें आपको आयरन भी मिल रहा है, आपको हाइड्रेशन भी मिल रही है, ककम्बर भी, ककम्बर के इसमें प्रोटीन भी मिल रहा है बीटरूट से, तो आप ये चीजें साथ में कर सकती हैं, इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी फ्रेश रह सकती है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और कुछ लोग ये होता है कि फ्रूट थोड़ा ले लिया, नहीं हमें भी अपने फील्ड में बाजफा टाइम नहीं मिल रहा होता, बाजफा तो डेली नहीं मिल रहा होता, हमारा भी कुछ पता नहीं होता, 2-2 घंटे एक एक प्रोसीजर चल रहा होता है, तो ये है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके पास रख लेते हैं, चलो चलते फिरते कर लिया, अदरवाइज तो बस जब काम पे खड़े हो जाते हैं फिर तो पता ही नहीं होता कि क्या खाना है क्या पीना है, खड़े रहने से पांव में भी दर्द आ जाता है, ऐसा ही है पॉइंट, मतलब ब्लड बिल्कुल हड्डियों में दर्द, हड्डियों बन जाते हैं, बहुत मुस्तकिल ऐसे यूं आप कर रही हैं, आयरन करवा रही हैं, बैक बोन में सबसे ज्यादा तो बैक बोन में पेन शुरू हो जाता है क्योंकि कंटिन्यू खड़े रहते हैं ना, और बाज दफा ऐसा होता है वजन एक टांग पे ज्यादा है एक पे कम है, तो बैक बोन में सबसे ज्यादा बैक बोन में इसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग दूध पिए, दही खाए, दही में भी कैल्शियम होते हैं, हमारा काम भी ज्यादा खड़े होके करने का। ओके, ब्यूटी की बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रैम्बो को जाए, गाना हो जाए प्ले, तो फिर हम क्या करते हैं उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं जी, मॉडल वहां पर आ जाए और ब्यूटिशियन, और मैं नाजी जब तक मॉडल वहां जा रही हूँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप भी इस मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहती हैं तो प्लीज ज्वाइन करें 03-15-82-48-704, बहुत इजीएस्ट है, और फराना रहमान जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन टीचर और इंस्ट्रक्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि इनकी जो इस वक्त ब्यूटिशियन स्टूडेंट्स जो जो सीनियर भी हो चुकी हैं वो भी इनको इनको ज्वाइन कर सकती हैं और डायरेक्ट इनसे भी बात कर सकती हैं, और इनके केयर ऑफ हमारे पास भी कोई कॉन्टेक्ट करते हैं 03-15-82-48-704। जी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
जबरदस्त, बहुत प्यारा गुड़िया, बहुत अच्छी। अभी तरह जो अपनी परी मिर्जा के पास आ जाओ, परी ब्यूटी सलोन से। परी मिर्जा बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह वर्क किया और इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी दी। और मैं ये चाहूंगी कि बात हो रही है, कुछ इंस्टीट्यूट भी ऑन हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ हर एरिया में होने चाहिए ताकि करीब की नियरेस्ट बच्चियों को कन्वीनियंट रहे। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूँ इस बात के लिए। और माशाल्लाह आश ने भी एकेडमी अपनी बनाई है और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे, कोशिश पूरी करें वो उन बच्चों के लिए जो हालात की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। कम चार्जेस में वो अपनी एकेडमी को चलाएंगे इंशाल्लाह, और हम सब उनकी एकेडमी में शामिल हैं और हम सब उनका साथ देंगे। अच्छा, एकेडमी की मैंने बात की है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई नॉर्थ नाजमाबाद है, वो कभी भी बहुत दूर जाने को पसंद है, वो कुरंगी नहीं आएगा। जैसे कुरंगी में भी एक जो है वो मिट्टी इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, 5-6 जो करीब करीब। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब लेडी ने, जिसने भी ब्यूटिशियन ने इवेंट ऑर्गेनाइजर है या वो अपने एकेडमी या इंस्टीट्यूट रन करी है, वो जरूर हमें ज्वाइन करें, हम उनकी प्रमोशन भी करेंगे ताकि उन लोगों को और लोग ज्वाइन करें। अगर मैंने जैसे मेरी प्यारी बहन ने कहा कि अर्श ने जो है वो हमारी एक पीबी एकेडमी ऑन हो रही है और इसमें हम लोग कुकिंग का भी रखेंगे, हम उसके अंदर कटिंग यानी कि फैशन डिजाइनिंग है और ब्यूटी है इसके अंदर, यानी कि डिफरेंट क्लासेस हम करवाएंगे ताकि वो बच्चियां जो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनकी रेंज से बाहर है बड़े बड़े लाखों रुपए के कोर्स, वो हम चंद उसमें हम चाहते हैं कि बच्चियां जो हैं वो वर्कशॉप के थ्रू और डिफरेंट जो कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स होते हैं उनकी डेमोंस्ट्रेट होती है, वो उनके रेंज में हो। और ये नियरेस्ट यूं है कि ये सिटी स्कूल के जस्ट ऑपोजिट है, सिटी स्कूल बलोच कॉलोनी पे, तो बहुत करीब है। अब इसमें महमूदाबाद लगता है, अख्तर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी और कुरंगी भी नियरेस्ट और तारिक रोड भी, काफी लोग जो है जिनको बहुत कन्वीनियंट रहेगा, जो बहुत दूर नहीं जा सकते, जैसे हुसैनाबाद बहुत दूर पड़ जाए, बहुत आउट ऑफ रेंज है। अगर यहाँ की बच्ची बलोच पे हो या कुरंगी, बहुत रेंज आउट ऑफ हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द इसको आप लोगों को फैसिलिटेट कर सके, बस थोड़ा सा रह गया, बस बहुत जल्द इसकी एनिवर्सरी सेरेमनी है, आप भी इनवाइटेड हो और जितने भी सीनियर इंस्ट्रक्टर है उन सब के डेमोंस्ट्रेट वहां पर है और आपका भी है इंशाल्लाह। मैं तो जरूर आपके साथ ज्वाइंट रहूंगी और अपना 100% बिल्कुल इंशाल्लाह चाहते कि आपसे लोग जो है जो सिखाने वाले टीचर्स है, उस्ताद है, यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे असातिज़ा से मिलती हूँ जो बहुत हुनरमंद है। तो हम लोग लेते हैं अब यहाँ पे सबसे छोटा छोटा मैसेज, जाने का टाइम हो गया है। जी सबसे पहले फराना आप। बिल्कुल, मैं दोबारा यही कहूंगी कि अर्श के साथ आप लोग ज्वाइंट हो, साबी के साथ ज्वाइंट हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये प्लेटफॉर्म। जो बच्चियां चैनल पे जाना चाहती हैं वो उन्हें कोई राह नहीं मिलती जाने के लिए, हर जगह जाहिर अमाउंट देना पड़ता है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता करें, साबी से रब्ता करें, हम लोग आपको आगे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी एस्टर, आप बताएं, हम लोग अपनी, क्योंकि आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो स्किन से रिलेवेंट खवातीन को मैसेज। मैं यही कहूंगी कि मल्टीविटामिंस का यूज करें, अपना बहुत ख्याल रखें, हर चीज में अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्पेशली अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। गुड। और लाइन का है, वो का है, मल्टीविटामिन का, जो है परी, जो है परी मिर्जा सलोन से। गुड़िया, आप जो है बच्चियां जो आगे सीखना चाहती हैं तो मैसेज दें कि क्या वो किस तरीके से आगे आ सकती हैं और वो कितना उनको सीखना चाहिए, हर लम्हा क्या सीखने का अमल चलता रहता है। देखिए, जैसे पढ़ाई खत्म नहीं होती वैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में जो है काम खत्म नहीं होता। हर मैं वनडे क्लासेस लेती रहती हूँ, फाउंडेशन से भी लिया है, इंस्टीट्यूट से लिया है, मिस लुबना के उसमें इवेंट में भी जाती रहती हूँ। तो इस तरह सारी लड़कियां सीखना, नहीं नहीं अच्छा, आप बहुत अच्छा मैसेज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि ये सीखने का अमल एक मतलब अभी भी लर्निंग प्रोसीजर ऑलवेज रहता है। बहुत से जो है घरेलू जो हमारे हस्बैंड्स हैं जैसे हम सपोर्ट करते हैं, वालदा है वो सपोर्टर, हो बहुत सी गर्ल सीखना चाहती है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। ओके, थैंक यू सो मच गुड़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो, बहुत प्यारा इन्होंने मैसेज दिया उस हिसाब से जो एक मतलब जैसे कोई टीचर मैसेज। और एक बात और इम्पोर्टेंट, देखिए नकाब में बच्ची बैठी हुई है, आप लोग इस तरह नकाब में भी आ सकते हैं, सामने लेकर आए और देखें आगे जा रही है वो नकाब के साथ, तो आप लोग भी बिल्कुल आ सकते हैं। माशाल्लाह सबसे मैसेज दिया, लेकिन मैं उनको कैसे भूल जाऊं जिन्होंने इतनी मजे की जो है डिश बनाई है, प्याजी चिकन
कढ़ाई। तो ये देख ले नाजरीन, यमी यमी से डिश है, लेकिन जिन्होंने बनाई है मैं उनको कैसे भूल जाऊं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जरी शेफ जरी मौजूद है, उनसे भी खूबसूरत मैसेज लेंगे। जी मैम। जी जी, मेरी ये मैसेज है मेरा के यूथ के लिए कि कभी भी हिम्मत ना हारे और मुश्किल अगर हालात हो तो उसका सामना करें, और ये अज़्म रखें कि हिम्मत मर्दा मदद है। क्या बात है। और माशाल्लाह ये जो है इन्होंने जिस तरह फराना ने कहा था कि जो है हम जो ये जो अपने जो बनाते हैं ना कि भाई हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, ये इस वजह से नहीं, नकाब ये वो, लेकिन ये एज अ विडो है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को स्टैंड ओवर किया, आज वो बहुत अच्छे मकाम पे, जो मेरी कुकिंग में इन्होंने मुझे बताया, मेरे लिए ये है इंस्पिरेशन लेडी। मैं अपनी बहन को सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहूंगी जो मेरी प्यारी बहन ने ऐड कर दी कि हमारे हुनर में बींग अ पाकिस्तानी, हमारे टैलेंट में, हमारे हुनरमंद होने में ये तमाम चीजें, काला होना, मोटा होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सब फजूल बातें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने टैलेंट पर फोकस करें, और एक वक्त ये नहीं होगा कि आप अपने मोहल्ले में, बल्कि अपने शहर में, अपने सूबे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।